जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2000 में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा था तो कुछ किताबें पढ़ी थी, उसमें से एक किताब था, उस किताब का नाम था गेट ए लाइफ। उस किताब के जो उस किताब में लिखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए इलास्टिसिटी। कुछ समय के लिए हमने मोटिवेशन दिया, इलास्टिसिटी जैसे काम करता है, एंड बैक टू दैट पोजीशन। बट अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम क्या है, ये सिस्टम अगर समझ में आ जाता है तो इस इंडस्ट्री में वो टिका रहता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस, ये साइंस कैसे काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दोस्तों, हम सब कॉलेज में जब एंट्री करते हैं तो हम लोगों के पास तीन रास्ता होता है, आइदर आर्ट्स चुनो, कॉमर्स चुनो या साइंस चुनो। बट नेटवर्क मार्केटिंग ही एक सब्जेक्ट है जहां पर सबसे पहले आपको साइंस में एंट्री करना पड़ेगा, साइंस इसका समझना पड़ेगा। इसके बाद आर्ट, आर्ट माने क्या है, स्किल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि इस बिजनेस में हमको क्या क्या स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और तीसरा कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, तभी जाके हमारा व्यापार बढ़ता है। तो आज ये तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर हमारे बीच हमारे कंपनी के फर्स्ट आईडी, हम सब के मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेंद्र सिंह राठौर आज हमारे बीच में है। और हम सब लकी हैं कि दोस्तों आज हम सब पूरे भारतवर्ष में आज पूरे परिवार को ये ट्रेनिंग आज हमें मिलने वाला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये ट्रेनिंग का बिगनिंग से लेकर एंड तक आप जरूर बने रहिए। इस ट्रेनिंग का जो समय रहेगा करीबन 1.25 से 1.5 घंटा का रहेगा, और 1.25 से 1.5 घंटा के अंदर सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब अपना डायरी एंड पेन लेकर बैठिए। बहुत सा ऐसे चीजें आज आप सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ईजी, आप सब जानते हैं नरेंद्र सर का जो ट्रेनिंग भी आप अटेंड करते हैं, बहुत सिंपल सरल तरीके से वो समझाते हैं और सबको समझ में आ जाता है। तो सब लोग अपना कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए, ये एक माइंड ब्लोइंग, माइंड चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो इस मीटिंग का कुछ डेकोरम है दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ऑडियो और जहां पर आप लोग ड्रेस कोड में नहीं है तो आप अपना वीडियो को भी बंद रखें। आज प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम में अगर आप देख रहे हैं कि आपकी टीम से कोई अगर मिस है तो डेफिनेटली और एक बार कॉल करके उनको इस प्रोग्राम में डेफिनेटली आप इनवाइट करिए। बहुत समय, अभी भी समय है, आप आराम से 4-5 मिनट के अंदर आप इनवाइट कर लीजिए, सो दैट सब लोग आए और आज इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम का हम लोग देख रहे हैं 1.25 से 1.5 घंटा के अंदर, लास्ट में हम लोग अगर इफ टाइम परमिट्स तो आज हम हमारे बीच जो डायमंड्स हैं उनका हम लोग उनके साथ भी आज हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं, अगर टाइम समय हमें मिलता है तो। तो आज बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं हमारे ग्रेट ऑफलाइन, हमारे मेंटर और मेरे भी गुरु जिनके माध्यम से ये बिजनेस मिला और इस बिजनेस में इतना बड़ा ग्रोथ आज मुझे मिला है। आज मुझे मेरी भी आज बहुत दिनों से इच्छा है कि बहुत दिनों से शायद सर का ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए हैं, लास्ट में मुझे लगता है 3-4 महीना पहले पूरी में हम लोग मीटिंग किए थे, 2-3 महीना पहले तब भी मिला था। आज हम सब लकी हैं कि इस ट्रेनिंग को फ्रीली घर में बैठे इस ट्रेनिंग को आज हमें मिल रहा है, जो कि किसी ना किसी आज अगर लॉकडाउन नहीं होता था किसी हॉल में, एक खर्चिला हॉल में ये मीटिंग होता, बट आज सब लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग मिल रहा है। तो विदाउट डिले मैं चाहता हूं आप सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करता हूं। हम सब जोरदार तालियों के बीच हम सब के ग्रेट ऑफलाइन मेंटर को हम लोग वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में। ओवर टू, मैंने अनम्यूट कर दिया है, वेलकम नरेंद्र सर।
वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। আমি দমদম থেকে কার্তিক ঘোষ বলছিলাম। আমি তো वेलकम सर, हमारे দমদম স্যার মোর চয়েস অফ সিস্টার সব। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पंडा सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच टीम इतने प्यार के लिए। इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, मैं कई बार बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद में जो कमाया वो सबसे बड़ी चीज है आप लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संडे का दिन है, पंडा सर बोल रहे थे कि आज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीटिंग होते। हाँ पंडा सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस, चलो ग्रेट। तो आप मुझे बता रहे थे कि अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीटिंग में होते। और डेफिनेटली आज मेरा एक सेमिनार था बैंगलोर में, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लग गया इसलिए वो मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ी। और आज मैं पिंक सिटी जयपुर में घर में बैठ करके आप लोगों से मिल पा रहा हूँ, थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया ना। और जो होता है ना पंडा सर, रियली वो सब कुछ ठीक होता है, जो भगवान करता है सब कुछ ठीक करता है ना। अगर बैंगलोर में जाता तो कुछ लोगों से मिल पाता, लेकिन आज घर बैठ करके इतने लोगों से मिल पा रहा हूँ, पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, और इतने लोगों से एक साथ बात करने का मौका मिला। तो जो होता है सब अच्छा होता है, सारी ना गॉड्स की प्लानिंग है सब कुछ। एक स्टोरी मुझे याद आई इस बातों बातों में कि एक बार क्या होता है कि एक बेरोजगार लड़का होता है, उसको नौकरी की तलाश होती है, वो कई जगह ट्राई करता है, नौकरी मिलती नहीं है, पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो हर जगह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर एक दिन वो देखता है कि एक अखबार में एक विज्ञापन आया है और एक वैकेंसी खाली है टॉयलेट क्लीनर की। टॉयलेट क्लीनर मतलब जो एक बंदा जो टॉयलेट के सामने बैठता है और वहाँ पे उसका देखभाल करता है, तो उसे लगता है कि कुछ ना करने से अच्छा है कि चलो कम से कम ये नौकरी मिल जाए तो भी घर का काम चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा। तो वो उस इश्तिहार पे जहाँ पे वो इंटरव्यू होता है वहाँ जाता है और जा करके बताता है सब कुछ, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद में उसको बोला जाता है कि सब कुछ ठीक है, आप इस नौकरी के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये फॉर्म भर दीजिए और नीचे यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो वो बोलता है कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे साइन करना नहीं आता। तो जो नौकरी वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको साइन करना नहीं आता तो ये नौकरी आपको हम नहीं दे सकते, सॉरी। वो वहां से बड़ा हताश निराश होकर के निकल जाता है, बाहर जाता है तो देखता है कि एक सब्जी की दुकान पे एक थड़ी वाला जो रेडी वाला होता है वहां पे सब्जी बेच रहा होता है, और आसपास से कुछ गाय वगैरह उस सब्जी पे झपटा मार रही होती है। तो जाके उन गायों को दूर भगाता है, तो जो थड़ी का जो मालिक होता है वो रेडी का मालिक उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ में काम कर लो भाई। वो उसके साथ में काम करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसको इस बिजनेस का नॉलेज होता है, धीरे धीरे वो खुद की एक रेडी लगा लेता है, फिर वहां से खुद की एक शॉप ले लेता है, फिर सब्जी मंडी से सब्जी ला करके बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, ऐसे करते करते वो बड़ा व्यापारी बन जाता है, बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देता है और अरबपति आदमी बन जाता है। और जब बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो उसकी एक बहुत बड़ी डील होती है, बिजनेस डील किसी बैंक के साथ में। और वो डील फाइनल होने के बाद में जो बैंक के बड़े मैनेजर होते हैं उसे बोलते हैं कि साहब आपकी जो डील है ये डन है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। वो बोलता है कि मुझे साइन करना नहीं आता। तो बैंक का मालिक जो बड़ा मैनेजर होता है वो बोलता है कि साहब अगर आपको साइन करना नहीं आता फिर भी आप इतने बड़े व्यापारी हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते, अगर आपको साइन करना आता होता तो पता नहीं आप कहाँ होते। वो बोलता है कि अगर मुझे साइन करना आता तो मैं आज टॉयलेट क्लीनर की जगह पे उस टॉयलेट के सामने बैठा होता। तो जो होता है वो सब कुछ परफेक्ट होता है। अगर ये कोरोना आया तो भी इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो फर्स्ट फेज हो, चाहे सेकंड फेज हो, चाहे ये थर्ड फेज अभी जो चल रहा है, हर चीज बढ़िया होती है। मस्त रहिए, आराम से एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो थैंक यू सो मच पंडा सर आज की मीटिंग के लिए, मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ हो सकता है बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका स्क्रीन का बैक साइड भी क्या नया नया दिख रहा है। नया नया दिख रहा है ये दिखाई दे रही स्क्रीन सभी को? यस यस यस, चलो ग्रेट। तो आज की मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, पिछले 30 महीने से प्रविधा को सीख रहा हूं आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के साथ मिलकर के। और 2021 चला गया, 2022 का ये जनवरी महीना है,
और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारा ये 30 महीने का सफर रहा बहुत ही शानदार रहा, ये सफर आपके सामने है। 2019 में हमने बहुत कम लोगों ने मिलकर के इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और पहले साल का टर्नओवर हमारा था 9 करोड़ का। 2020 में हमने 31 करोड़ बुक किया और 2021 92 करोड़ के साथ हमारी ग्रोथ आप देख सकते हैं, चाहे वो अचीवर्स की ग्रोथ हो, चाहे वो प्रोडक्ट की ग्रोथ हो, चाहे वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। और 2022 का टारगेट आपके सामने है, 2025 का टारगेट आपके सामने है, और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह से मैच्योर लीडरशिप काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान सा टारगेट है। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के सहयोग के लिए। इसी तरह से आपका सहयोग और साथ बना रहेगा तो हम मिलकर के सारे सपने पूरे करेंगे। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो लगभग मैं 20 लाख के पे आउट पे हूं अभी, और मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं 12th पास आदमी हूं। पहले डिफेंस में जॉब किया करता था, फौज के अंदर, नेवी के अंदर, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक था साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि पंडा सर ने बताया कि आर्ट भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, कॉमर्स भी चाहिए, तो आर्ट के साथ हम पिछले 30 महीने में यहां तक पहुंच चुके। हर लीडर जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज अपनी मीटिंग में जरूर बताता है, उसकी अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो उसकी मीटिंग में सिर्फ एक चीज अगर जो है सामने आती है, वो आती है कि आप कर सकते हैं। मैं इस स्लाइड को अपनी हर मीटिंग में दिखाता हूं आपको, आपने देखा होगा, और इसमें लिखा है कि यू कैन डू इट। मैं भी कहता हूं, आप सब भी, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप है, सारे डायमंड, सारे एमरल्ड, हर मीटिंग में यही बोलते हैं कि आप कर सकते हैं। अपने आप को किसी से कम ना समझे, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मैं तो कई बार एग्जांपल भी देता हूं कि आपका जो अंगूठे का निशान है वो किसी से मिलता नहीं है, आपका चेहरा किसी से मिलता नहीं है, आपके ब्लड में जो डीएनए होता है वो भी किसी से मिलता नहीं है, आप यूनिक हैं धरती पे, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया आर्ट का, ये पार्ट हो गया मोटिवेशन का। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही साइंस है, तो साइंस तो सिर्फ बातों से चलती नहीं है, उसको तो फैक्ट्स ही होते हैं। तो साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाहे हम कितना भी आपको मोटिवेट करें, कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन में किसी किनारे में, कॉर्नर में एक बात रह जाती है कि ठीक है, ये नरेंद्र जी कर सकते हैं, पहले आ गए है ना, पंडा सर कर सकते हैं, हमारे सतवीर जी, दिनेश जी हैं, चंद्रमणि जी हैं, सुनील अड़े साहब हैं, है ना, हमारे अतुल रहमान अंसारी जी हैं, जितने भी डायमंड्स हैं, जितने भी एमराल्ड्स हैं, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, आई कांट। तो आई कांट से आई कैन, यहाँ पे आपको ये साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत काम आएगी, और अपना आज का टॉपिक भी वही है। तो मैं आपको सीधे इस टॉपिक पे लेकर आना चाहता हूँ कि आखिर आर्ट के साथ साथ साइंस जो है वो क्या कहती है। साइंस जो है वो कहती है कि आप के अंदर जो कहीं ना कहीं एक मन में कहीं दबाव है कि मैं नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज, कुछ बहाने आपके अंदर हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके मन में जितने भी बहाने हैं, जितने भी एक्सक्यूज है, आज उन एक्सक्यूज को आपके दिमाग से निकाला जाए। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं बहानों के ऊपर, क्योंकि किसी ने कहा है कि या तो बहाने बना लो या पैसा बना लो। तो क्या क्या बहाने आप लोग बनाते हैं? सबसे पहला बहाना कुछ लोग बनाते हैं फिजिकल एक्सक्यूज, कुछ लोग एजुकेशनल एक्सक्यूज, कुछ लोग बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया, एज का बहाना बना लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पहले भी कुछ कर नहीं पाया, पहले भी मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन किया था, मैं वहां फेल हो गया था, या मैंने पहले कोई बिजनेस किया था, मैं वहां फेल हो गया था, तो पास्ट फेलियर एक्सक्यूज, और लास्ट में जब कुछ नहीं बस में होता तो किस्मत का नाम लिया जाता है, और लक एक्सक्यूज कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा मीटिंग की शुरुआत में, क्योंकि सबसे पहले ये बहाने आपके दिमाग से निकालने जरूरी है, तभी आप इस बिजनेस को सीरियसली, इस साइंस को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिजिकल एक्सक्यूज, आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। ये है मिस्टर गिरीश शर्मा, बैडमिंटन प्लेयर है, लिखा हुआ भी है स्क्रीन के ऊपर कि 2015 में वर्ल्ड के टॉप 2 प्लेयर में इनका नाम आया करता था, और आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कि इनका एक पैर नहीं है, लेकिन बहाना नहीं बनाया इन्होंने, क्योंकि बहाने बना लो या पैसा बना लो। इनको आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे कई बार, इनके तो पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, द मैन विदाउट लिम्स। और आपको पता है कि ये दुनिया के
बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करते हैं। सुधा चंद्रन टीवी सीरियल्स में बहुत लोगों ने देखा होगा इन्हें, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक पैर नहीं है, जयपुर फुट लगा हुआ इन्हें, और ये भरतनाट्यम की एक बहुत ही शानदार डांसर है, कभी बहाना नहीं बनाया इन्होंने। अरुणिमा सिन्हा को सब जानते हैं, ट्रेन से फेंक दिया गया, पटरी पर गिरी, बड़ी मुश्किल से जान को बचाया गया, लेकिन पैर नहीं बचा पाए, नकली पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, बहाना नहीं बनाया। हो सकता है इनको बहुत से कम लोग जानते होंगे, मुगैसे बोगोस। बास्केटबॉल के बारे में ये फेमस है कि यहाँ पे इस खेल को खेलने के लिए कम से कम 6-6.5 फीट की हाइट चाहिए होती है। इनकी हाइट मात्र 5 फीट और 3 इंच है, और ये टॉप 5 प्लेयर्स में से इनका नाम आया जाता है। जब भी बास्केटबॉल का नाम आता है तो टॉप 5 में इनका नाम भी आता है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल एक्सक्यूज, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं ये नहीं हो पाया, मैं हो नहीं पाया, मेरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई। देखिए अभी बहुत सारे नाम है स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ लीजिए, और आज मीटिंग के बाद में आप गूगल पर जाइएगा और ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा आज अपना होमवर्क कीजिएगा। पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में ये टॉप पे हैं, तो जब इन्होंने बहाने नहीं बनाए तो हम क्यों बहाना बना सकते हैं। मैं तो स्टेज पर खुल के बोलता हूँ कि मैं 12th पास आदमी हूँ, मैं 12th पास। मुझे कई बार कई लोग टोकते हैं, सर ऐसा मत बोला करो। मैंने क्यों, जो है रियलिटी वो तो है ना, मेरी एजुकेशन मेरे शहर के कलेक्टर से 10 गुना कम है, लेकिन मेरी इनकम उससे 10 गुना। तो जब हम सब लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बहाने बना लो या पैसा बना लो। इसके बाद एज, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हम तो बूढ़े हो गए, या कुछ बोलते हैं हम तो अभी बच्चे हैं, 17-18 साल के 19 साल के जो युवा हैं वो बोलते हैं कि हम तो अभी छोटे हैं। एज इज जस्ट ए नंबर, नॉट एन एक्सक्यूज। एज सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ग्रैंडमा मोजेस 78 की उम्र में इनको ख्याल आया कि क्यों ना पेंटिंग की जाए, और पेंटिंग करने की शुरुआत करी, और आज अरबपति महिला है। एक एक पेंटिंग जो है इनकी $1.2 मिलियन के अंदर भी बिकी हुई है। कर्नल सैंडर्स सब लोग जानते हैं, 62 साल की उम्र में इन्होंने KFC की शुरुआत करी। रे कॉक सभी लोग जानते हैं, 52 की एज में इन्होंने मैकडोनल्ड्स, ये बहुत सारे एग्जांपल, इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। 50 साल की उम्र में जूलिया चाइल्ड, इनके मन में आया कि क्यों ना शेफ बना जाए, और आज ये वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है। 50 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर शुरू किया। हेनरी फोर्ड 45 साल की उम्र में, सैम वॉल्टन 44, जिन्होंने वॉलमार्ट की शुरुआत करी। ये सारे फेमस ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं और इनकी एज आपके सामने है। स्टैनली 39 की उम्र में इन्होंने जो स्पाइडरमैन का जो एक करेक्टर है उसका आविष्कार किया, आज स्पाइडरमैन जो है बड़ा फेमस करेक्टर है। फौजा सिंह हिंदुस्तान के हमारे, 101 साल की उम्र में इन्होंने मैराथन, दुनिया के ओल्डेस्ट मैराथन रनर है। सोचिए 101 साल, जब आदमी ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है उस समय ये आज रनिंग करते हैं। अभी इनकी करंट जो एज है वो 104 साल है। बोमन ईरानी 44 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करी, मुन्ना भाई MBBS से। राजकुमार वैश्य, देखिए अब ये फोटो जो है वो रियल एग्जामिनेशन हॉल की फोटो है, 97 आज की इस मीटिंग में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 97 का होगा। आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, एक भी व्यक्ति नहीं 97 का। 97 की एज में इन्होंने पढ़ाई करने के बारे में सोचा और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में इन्होंने 23 आंसर शीट भरी। 97, सोचिए आप। तो एज इज जस्ट ए नंबर, नॉट एन एक्सक्यूज। महेश पलटा, ये नोएडा के रहने वाले हैं, 60 साल की उम्र में विचार आया कि क्यों ना योगा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, योगा बहुत अच्छी चीज है, और इन्होंने योगा करना शुरू किया। आज लोग इनको वाटर योगी के नाम से जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज सिर्फ एक नंबर हो सकता है, एक्सक्यूज कभी नहीं हो सकता। तो आज हमारे जितने भी छोटे या फिर बड़े हमारे परिवार के साथी हैं, आज से बहाना नहीं बनाना है हमें। पास्ट फेलियर एक्सक्यूज, आज से पहले प्रीवियस कभी किसी कंपनी में काम किया नहीं किया, फेल हो गए या किसी और फील्ड में फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर का ठप्पा लग गया हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले फेल थे कोई दिक्कत नहीं, अब हम पास हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, हर कोई जानता है इनको। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL कंपनी की शुरुआत करी और बैंक करप्ट हो गए,
सारा सब कुछ चला गया, हिम्मत नहीं हारी और 60 साल की उम्र में वापिस से कौन बनेगा करोड़पति सबको पता है और आज टॉप पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, केमिस्ट की दुकान पे काम किया, वॉचमैन की नौकरी करी, खूब स्ट्रगल किया, खूब फेल हुए और लास्ट में वापस ब्रेक मिला इनको पीपली लाइव बॉलीवुड के अंदर और आज टॉप पे। अब्राहम लिंकन को सब लोग जानते हैं, 3 बार फेल हुए बिजनेस में, 7 बार पॉलिटिक्स में फेल हुए, 7 बार हार का शिकार हुए, हिम्मत नहीं हारी और आज मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट हैं, हर कोई इन्हें जानता है। माइकल जॉर्डन, स्कूल में इन्हें स्कूल की जो टीम होती है ना बास्केटबॉल की, उस टीम से निकाल दिया गया था कि आप अच्छा नहीं खेल सकते, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो प्लेयर बनने की आपके अंदर वो है नहीं जो चाहिए। और आज अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो मेरे ख्याल से बास्केटबॉल का दूसरा नाम है माइकल जॉर्डन। जेके रॉलिंग, एक सिंगल मदर, हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत स्ट्रगल किया, किताबें लिखती थी लेकिन किसी भी पब्लिशर ने इनकी किताब को छापा नहीं, बहुत से पब्लिशर के पास गई लेकिन सबने मना कर दिया, हिम्मत नहीं हारी और धीरे 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 स्ट्रगल करते करते हैरी पॉटर, एक ऐसी एक सीरीज है जिसको आज हर कोई जानता है, हैरी पॉटर के नाम से इन्होंने ये बुक लिखी और आज सबको पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले आप फेल हुए नहीं हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज के बाद में आपका ये पास्ट फेल एक्सक्यूज आपका बंद हो गया, अब लास्ट में बचा लक एक्सक्यूज, किस्मत। जब कहीं बस नहीं चलता तो आदमी बोलता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आपकी किस्मत खराब है तो यकीन मानिए इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छी इंडस्ट्री आपके लिए हो नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपकी किस्मत खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाउनलाइन में, आपकी अपलाइन में अगर एक भी व्यक्ति जिसकी किस्मत ठीक है तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। मान लिया मेरी किस्मत खराब है, लेकिन पंडा जी की किस्मत सही हो सकती है, किसी और की किस्मत सही हो सकती है, क्या पता किसी और की किस्मत से मेरी किस्मत चल पड़ी। तो अगर आपकी किस्मत खराब है तो इससे अच्छा व्यापार आपके लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो ये सारे एक्सक्यूज आज के बाद से आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जब एक्सक्यूज खत्म तो क्या बचा, पैसा। यहां लिखा है बहाने बना लो या फिर पैसा बना लो, दो ही चीज है। तो बहाने खत्म हो गए, दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा पैसा। अब पैसा बनाना है और मुझे जो समझ में आया वो है सबसे बढ़िया इंडस्ट्री जहां पे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज के इस करंट सिनेरियो में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता और क्यों ना बनाएं हम नेटवर्क। आपके आसपास आप जितने भी अमीर लोग हैं आपके शहर में देख लीजिए, सबके पास नेटवर्क है, हर वो व्यक्ति अमीर है जिसके पास नेटवर्क है। और हम आम लोग सबके नेटवर्क में आते हैं, हम दूध वाले को पैसा देते हैं, हम अखबार वाले को पैसा देते हैं, हम एयरटेल वाले को पैसा देते हैं, हम हर आदमी को 10, 20, 50, 100 रुपया, 200 रुपया हर आदमी को हम हमारे घर से देते हैं और हम सबके नेटवर्क में आते हैं, हमारे नेटवर्क में कौन आता है। तो जिस दिन आप अपना नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क आपके लिए काम करेगा तो बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा, उसके साथ में मान सम्मान, वो सब तो बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे अब हमें बनाना है नेटवर्क और जब नेटवर्क बनाना ही है, इस इंडस्ट्री में हमें आना ही है, जब बड़ा काम इसमें करना ही है तो हमें प्रोफेशनल नेटवर्क बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल लीडर। अगर नॉर्मल लीडर बन के आएंगे तो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, हमें बनना पड़ेगा प्रोफेशनल लीडर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आज आप प्रोफेशनल लीडर बनने के लिए तैयार हैं? अगर यस तो अपना हैंड रेज कीजिए एक बार, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल लीडर बने। एक बार देखिए, यहाँ बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, जो प्रोफेशनल लीडर बनना चाहता है एक बार हैंड रेज करे। वाह, गजब गजब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ग्रेट। सब लोग चाहते हैं प्रोफेशनल लीडर बनना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अपने अपने हैंड वापिस से लोअर कर लीजिए। अब अगर आप प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो मेरा खुद का इतना जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके हिसाब से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, 95% अनप्रोफेशनल लोग इसमें आते हैं और जानबूझ के ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और उसके बाद बदनाम करते हैं इस प्यारी इंडस्ट्री को। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इतने सालों से चल रही है, अब तो गवर्नमेंट ने इसका लॉ भी बना दिया, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आम आदमी को सपने देखने की हिम्मत देती है, क्या कुछ नहीं दिया इस इंडस्ट्री ने। लेकिन गलती हमारी होती है कि हम इसको अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं
और फिर हम इसको बदनाम करते हैं। तो आज के बाद हमें लीडर नहीं बनना, आज के बाद हमें प्रोफेशनल लीडर बनना है, आज के बाद हमें प्रोफेशनल लीडर बनना है। और मैं अगर आपको बताऊं जो साइंस है नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोलती है, साइंस ये बोलती है कि जो लीडर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। हमारी इस इंडस्ट्री में तीन तरह के लीडर होते हैं, जो अगर हम साइंटिफिकली हम देखें इस चीज को तो तीन तरह की लीडरशिप होती है। पहली होती है लक लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो किस्मत के भरोसे इस बिजनेस में आते हैं। वो देखते हैं कि अरे यार सुदेव पंडा जी अगर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर सुनील लड़े जी का 6-7 लाख का चेक है, जब उनको वो स्टेज पे देखते हैं तो वो सोचते हैं इनकी किस्मत काम कर रही है, हमारी भी कर जाएगी, और आनंद फानन में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद जब वो फेल हो जाते हैं तो क्योंकि किस्मत के भरोसे आए होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी इस इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं ट्रायल लीडर्स। ये वो लीडर्स होते हैं जो पहले वाले लक लीडर से थोड़े से अच्छे होते हैं, ये इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए आते हैं कि चलो देखते हैं करके एक बार, क्या पता हमारा भी चल पड़े, क्या पता हमें एक डायमंड यहाँ मिल जाए, एक डायमंड यहाँ मिल जाए, और ये दो डायमंड अच्छा काम कर ले और हम क्राउन बन जाए। तो ये 4-5 महीने 6 महीने तक ट्राई करते हैं, और ट्रायल पीरियड में अगर अच्छे लोग मिल जाए इनको बाय द वे तो इनका बिजनेस चल भी जाता है, लेकिन अगर अच्छे लोग नहीं मिले तो ये 4-5 महीने के बाद में इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगाया नहीं था इसलिए छोड़ने में एग्जिट करने में कोई नुकसान नहीं होता, और ये छोड़ के चले जाते हैं, ये ट्रायल बेसिस पे आते हैं। और ये तो कई बार एक डायलॉग में मारता हूँ ना कि ये ट्रायल लीडर्स का डायलॉग मारते हैं, चल पड़ा तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा, 6 महीने ट्राई कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लॉस तो कुछ है नहीं, रिस्क तो कुछ है नहीं इस बिजनेस के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी वो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लीडर्स। ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं अपने काम के लिए, और इस बिजनेस में वो आते ही हैं डायमंड बनने के लिए, क्राउन बनने के लिए, महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं, दे आर कमिटेड एंड एक्सपर्ट इन द स्किल रिक्वायर्ड। वो कमिटेड हैं और अपने आप के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करते हैं डेली बेसिस पे, और इस बिजनेस में वो बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो अब हमें बनना है प्रोफेशनल लीडर, और क्यों ना बने। एक एथलीट जो है वो 100 मीटर की रेस की तैयारी करने के लिए वो 4-4 साल लगा देता है, एक डॉक्टर 10 साल लगाता है, एक वकील भी कितना साल लगाता है, हर आदमी जो प्रोफेशनल है वो कितना लंबा समय लगाता है तब जाके वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो हम भी क्यों ना बने प्रोफेशनल, बनना चाहिए हमें। और मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे कि प्रोफेशनल तो बनना चाहिए, लेकिन अब हम जाते हैं इसकी साइंस में। हम आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा, यहाँ पे जो लिखा है उसको तुरंत पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? बस 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 बस, अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई, कैन यू फाइंड द मिस्टेक, तो आपने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ तो ठीक है, सर ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो गलती है वो नीचे नहीं है, गलती ऊपर है, जो द है वो 2 बार लिखा हुआ है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक, द को 2 बार लिखा गया है, गलती कहीं और थी और हमारी निगाहें कहीं और थी। इस बिजनेस में हम लोग आते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं, और फिर होता क्या है कि हम कहां गलती कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता है। ये कुछ ऐसा हो गया कि ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम है और हम जो है वो स्विच को ठीक कर रहे हैं, प्रॉब्लम है ट्यूबलाइट में और हम जो है वो स्विच को ठीक कर रहे हैं। एक बार मैं इसको, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इस बिजनेस के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ये पहले 2 कैटेगरी के लोग थे, लक लीडर्स और ट्रायल लीडर्स, ये 2 कैटेगरी के लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और फिर वो इस बिजनेस को बुरा भला कहते हैं। आज हम उन गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उस साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने साइंस को समझ लिया, क्योंकि आर्ट्स तो आपने बहुत यहां तक पहुंच चुके हैं, आप मोटिवेशन के साथ तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब साइंस को समझना बहुत जरूरी है प्रोफेशनल होने के लिए। और वो कौन सी गलतियां हैं, वो क्या साइंस है जो हम जाने अनजाने कर रहे हैं, गलतियां मिस्टेक कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं, उसकी आज हम जाना चाहेंगे रूट में, जड़ में जाना चाहेंगे। और क्योंकि प्रॉब्लम जहां पे है उसको ठीक करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट कॉज एनालिसिस। आज ऐसी कौन सी वो जड़ है, जड़ को ठीक करना बहुत जरूरी है।
सिर्फ बातों के सहारे बिजनेस होने वाला नहीं है, वो गलतियां जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं वो उसकी रूट क्या है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके गली में कोई कुत्ता जा रहा है, उसको अगर आप एक लाठी से लकड़ी से पकड़ के ऐसे लाठी से मारोगे तो कुत्ता क्या करेगा, उस लाठी को ऐसे पकड़ लेगा क्योंकि उसको लगता है कि ये लाठी जो है ये रूट है, जबकि लाठी रूट नहीं है, जो मार रहा है वो रूट है। तो ये होते हैं लक लीडर और ट्रायल लीडर। लेकिन जो प्रोफेशनल लीडर वो क्या करता है, अगर किसी शेर को अगर आप लाठी से मारो, हालांकि मौका मिलेगा नहीं किसी शेर को लाठी से मारने का, लेकिन कभी मिले और लाठी से अगर आपने शेर को मारा तो शेर लाठी को कभी नहीं पकड़ता, वो आपको पकड़ लेगा, वो जड़ को खत्म करेगा। उसे पता है कि लाठी की गलती नहीं है, लाठी मारने वाले की गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज वो रूट क्या है गलतियों की, वो वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो जाने अनजाने आप लोग कर रहे हैं, ये गलतियां एक एक करके आपके सामने से निकलेंगी, और अगर हमने इस साइंस को आज पकड़ लिया तो हमें सफल होने से, हमें डायमंड बनने से, हमें क्राउन बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हम आज रूट एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे जो पहली गलती है एज पर साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस क्या है, इसमें दो चीजें, मिस्टेक्स एंड क्वालिटीज। तो मैं आपके सामने आज 12 गलतियां रखने वाला हूं जो जाने अनजाने हम कर रहे थे, और उसके बाद 12 क्वालिटीज रखने वाला हूं जो जाने अनजाने हम लोग नहीं कर रहे थे। इसको समझना बहुत आसान है, अगर आपने रियली सीरियसली आज की मीटिंग में इसको समझ लिया और डायरी में लिख लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए, स्वागत है आपका रूट कॉज एनालिसिस में, और इसमें जो सबसे पहले मैं आपको ये 12 गलतियां जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं, इन गलतियों को आज के बाद नहीं करना है। और इन 12 गलतियों में जो पहली गलती है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, और वो है फर्स्ट जो मिस्टेक है, जो साइंस है वो ये बोलती है कि जो फर्स्ट मिस्टेक हम कर रहे हैं वो है नॉट नोइंग योर व्हाई। इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं वो हमें पता नहीं, हमें व्हाई पता नहीं है। जो ट्रायल लीडर्स जब भी बिजनेस में आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता अपने व्हाई का। मैं कई बार मीटिंग सेमिनार में, मुझे कई बार लोग ना पूछते हैं कि सर हम बिजनेस कैसे बिल्ड कर रहे हैं, हमारी टीम नहीं बन रही है, हमें कुछ मतलब इसको कैसे करें, इसको मीटिंग कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे दिखाना चाहिए, ये कैसे वो कैसे। तो वो कैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि कैसे से पहले क्यों आपका क्लियर होना चाहिए, हाउ से पहले व्हाई। जो हाउ है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है और जो व्हाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो कैसे आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं से सीख जाएंगे। बहुत लोग आपको सिखाने के लिए, अगर कोई नहीं भी सिखाने को तैयार है तो यूट्यूब भरा पड़ा है आपको इस बिजनेस को सिखाने के लिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे पहले आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, और जो ट्रायल लीडर्स होते हैं वो यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो कैसे कैसे की बात करते हैं लेकिन क्यों की कभी बात नहीं करते। तो सबसे पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है और गलती से आपने कैसे क्लियर भी कर लिया, तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका 4-5-6 महीने के बाद में रिवर्स गियर लग जाता है। तो सबसे पहले क्यों, इस बिजनेस में हम आए क्यों हैं, आपके क्या सपने हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप फील्ड में जाने से डरोगे नहीं, और जाकर के अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा वहां पे, लोग अगर आपको मना करेंगे मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, 5-10 लोग आपको मना कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गलती क्या करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, और जब लोग जुड़ते नहीं है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें फील्ड में लोगों को जोड़ने नहीं जाना है, हमें फील्ड में अपना वाई क्लियर करने जाना है, आपका जो पर्पज है उसको क्लियर करने जाना है। अगर आपका पर्पज है मेरे को इस बिजनेस से 5 लाख की इनकम चाहिए, मेरे को इस बिजनेस से ड्रीम कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो चीज को लेने के लिए आपको फील्ड में जाना है। जोड़ने से हमारा पर्पज क्लियर होता है, पूरा होता है, लेकिन जोड़ना हमारा पर्पज नहीं है। अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ने जाओगे तो आप कुछ समय के बाद में अपने आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि लोग आपको मना भी करेंगे, रिजेक्शन भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आपका जो वाई है वो आप अगर क्लियर करेंगे तो ही बड़ा काम हो सकता है। और एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, पंडा सर भी इस टॉपिक पे कई बार बात करते हैं। ये तराजू है आपके सामने, इस तराजू में एक तरफ आपके ड्रीम और आपका पर्पज है और एक तरफ लोगों की ऑब्जेक्शन है। तो अगर आपका ड्रीम और पर्पज जो है वो मजबूत होगा तो ऑब्जेक्शन जो है वो हल्की हो जाएगी, और अगर आपका ड्रीम और पर्पज ही नहीं है तो आप लोगों की जो ऑब्जेक्शन है वो भारी हो जाएगी और आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना ड्रीम और पर्पस क्लियर करें, इस बिजनेस में आप क्यों आए हैं,
क्या करना चाहते हैं, अपना वाई क्लियर कीजिए। हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा आपको। वाई क्लियर होता है एक शराबी का, हालांकि नेगेटिव एग्जांपल है लेकिन इससे आप समझ जाएंगे। एक शराबी को पता है कि मेरे को शाम को पीनी है तो पीनी है, उसको आप पकड़ के गाड़ी में बिठा करके किसी जंगल में ले जाओ, उसके कपड़े वपड़े सब उतार दो, उसकी घड़ी निकाल लो, उसका वॉलेट पर्स चेन वेन सब कुछ निकाल लो, मोबाइल भी छीन लो उससे, और शाम को जब आप उसको वापस मिलोगे ना तो वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ करके टन मिलेगा आपको, क्योंकि उसे पता है कि पीनी है मतलब पीनी है। वो कैसे पीनी है, कहाँ मिलेगी, अगर ड्राई एरिया है तो भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको पर्पस क्लियर है। तो आपका पर्पस भी आज से क्लियर होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कंपनी। इस बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि गलती से कई बार वो गलत कंपनी को चुन लेते हैं। अब राइट और रॉन्ग कैसे पता चले हमें कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा। किसी भी कंपनी में दो चीज होती है, एक होता है उसका मार्केटिंग प्लान और एक होता है उसका प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट, अगर मार्केटिंग प्लान को हटा दिया जाए तो बच गया प्रोडक्ट। अगर प्लान हटाने के बाद में जो प्रोडक्ट बच गए वो आप फिर भी पसंद करोगे, अपने घर में यूज करना चाहोगे, इसका मतलब कंपनी सही है, और प्लान को हटा दिया गया तो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहोगे, इसका मतलब कंपनी खराब है। तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं कि अगर प्लान को साइड में कर दिया जाए तो भी वो सारे प्रोडक्ट जो है वो आप अपने घर में लाना पसंद करोगे। यही एक फॉर्मूला है सही कंपनी और गलत कंपनी का चुनाव करने का। तो जितने भी नए आज हमारे मेहमान आए, मैं चाहूंगा उनसे कि इस फॉर्मूले के हिसाब से वो एक सही कंपनी को चुन सकते हैं। तीसरा साइंस क्या बोलता है, तीसरी मिस्टेक, प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनीज। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बैग में कई बार चार चार पांच पांच और कई के लोग तो दस दस कंपनी लेके घूमते हैं। 100 वाली चाहिए 100 वाली ले लो, 200 वाली चाहिए 200 वाली ले लो, 1000 वाली चाहिए 1000 वाली ले लो। कैसे संभव है? इस बिजनेस में आपकी जो फेस वैल्यू है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कंपनी को नहीं जानते शुरू में, लोग आपको जानते हैं। अगर आप एक साथ चार पांच कंपनियों को प्रमोट कर रहे हो इसका मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हो। आप मुझे बताओ, बीजेपी का अध्यक्ष और कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक समय में बनना पॉसिबल है? नहीं। तो आप एक टाइम पे दो कंपनियों में कैसे अचीवमेंट ले सकते हो? कई लोग मिलते हैं, सर हम तो तीन तीन चार चार कंपनी एक साथ करते हैं। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि चार चार कंपनी एक साथ कोई कैसे कर सकता है। मैं तो कह बोलता हूँ, साहब आपके पैर किधर है चरण, हमसे तो एक भी ढंग से नहीं होती, आप चार चार कर लेते हो, कैसे पॉसिबल है? अपनी फेस वैल्यू कभी खराब नहीं करनी है। एक को सेलेक्ट कर लिया तो कर लिया, शादी कर ली तो कर ली, अब अंगद के पैर की तरह मजबूत हो जाओ, अब यहीं पे बड़ा अचीवमेंट लेना है, तब जाके आपकी फेस वैल्यू बनेगी, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे, और अगर लोगों का भरोसा आपने जीत लिया तो फिर सब कुछ जीत सकते हो। साइंस क्या बोलती है, नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में फेल होते हैं, लिसनिंग टू रॉन्ग पीपल। जो ये शुरू के दो लीडर थे, ट्रायल लीडर और लक लीडर, ये किसी न किसी के कहने पे इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो अपने आस पड़ोस के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे लोगों से जिनको प्रोवेदा के बारे में, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता, उनसे वो पूछते हैं कि मैं डायमंड कैसे बनूं, मैं बिजनेस को कैसे करूं, करूं कि नहीं करूं। सलाहकार ही गलत चुन लेते हैं। आप मुझे बताओ, पतला कैसे होना है, क्या इसकी सलाह किसी मोटे आदमी से लोगे? शादी करूं कि नहीं करूं, जिसका तलाक हो गया उससे जाके पूछोगे, या जो कुंवारा है उससे जाके पूछोगे कि शादी करूं कि नहीं करूं? नहीं ना। डॉक्टर कैसे बनना है, ये किसी चाय की थड़ी वाले से पूछोगे? नहीं ना। तो फिर डायमंड कैसे बनना है ये अपने पड़ोसी से क्यों पूछते हो? उसको अगर पता होता तो पहले आपसे पहले डायमंड होता हो। तो कभी भी गलत सलाहकार नहीं चुनना है। और हाँ, आप जिससे पूछ रहे हो ना, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने भाई से, परिवार के किसी रिलेटिव से, उनकी गलती नहीं है, उनके पास जितना नॉलेज है उतना ही वो आपको देते हैं, वो गलत नहीं, वो आपका भला चाहते हैं। वो बोलेंगे छोड़ो यार, कंपनियां उमनियां सब बहुत आती है, तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उन्होंने कभी अंदर घुस के काम नहीं किया, उन्होंने दूर से देखा है, तो उन्हें लगता है कि बहुत सारी कंपनियां आती है, ये ऐसा है वैसा है, ये सब चेन सिस्टम है, जोड़ने का बिजनेस है, जिसके पास कोई काम नहीं होता वही काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो सही बोल रहे हैं क्योंकि उनका नॉलेज ही उतना है,
वो आपका भला चाहते हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, उनके पास जो है वो उन्होंने निकाल के आपको दे दिया। एक बार एक स्कूल में टीचर एक बच्चे से पूछती है, उसका नाम राजू होता है, राजू तुम्हें मैं एक एप्पल दूं, एक एप्पल और दूं और एक एप्पल और दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितने एप्पल होंगे? तो राजू बोलता है मैडम चार। तो मैडम उसको दोबारा बोलती है कि ध्यान से सुनो बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है, तुम्हें मैं एक एप्पल दूं, एक एप्पल और दूं और एक एप्पल और दूं तो तुम्हारे पास कितने एप्पल होंगे? राजू बोलता है मैडम चार। मैडम सवाल को चेंज करती है कि हो सकता है ये एप्पल नहीं समझ पाया होगा। मैडम बोलती है राजू तुम्हें मैं एक संतरा दूं ऑरेंज, एक ऑरेंज और दूं और एक ऑरेंज और दूं तो टोटल कितने ऑरेंज होंगे? बोला मैडम तीन। मैडम बोलती है वेरी गुड राजू तुम समझ गए, अब वापिस से बताओ मुझे कि तुम्हें मैं एक एप्पल दूं, एक एप्पल और दूं और एक एप्पल और दूं तो कितने एप्पल होंगे? बोला मैडम चार। मैडम सर पकड़ लेती कि संतरे तीन और एप्पल चार क्यों? राजू बोलता है मैडम एक एप्पल में मेरे बस्ते में घर से लेके आया हूं। तो जो राजू के पास था बस्ते में वही तो उसने मैडम को बताया। तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी है, रिलेटिव है, जिन्होंने जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास जो है वही तो आपको बता रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो आपका भला चाहते हैं। तो इस बिजनेस में आपका जो सलाहकार है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और अगर सलाहकार सही होगा, अगर आपको डायमंड बनना है तो पूछो ना डायमंड से, पूछो पंडा सर से, पूछो सुनील एडे जी से, पूछो चंद्रमणि से, पूछो आज पिंटू जी से डायमंड कैसे बनना है, वो बताएंगे आपको। दिनेश जी, सतवीर जी बताएंगे आपको डायमंड कैसे बनना है, आप क्यों अपने पड़ोसी से पूछते हो। तो आज के बाद किसी से गलत आदमी से सलाह नहीं लेनी है। अगला पॉइंट जो साइंस बोलती है कि इस बिजनेस में फेल होने का अगला पॉइंट क्या है, वो है स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। इस बिजनेस में हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लेकर आ जाते हैं। आज से पहले कहीं जॉब करते थे, नौकरी करते थे, 15 साल नौकरी करी तब जाकर के 1 लाख रुपए की सैलरी में पहुंचे, 15 साल मेहनत करी तब जाके 1 लाख की तनख्वाह पे पहुंचे, और प्रोविदा में आने के बाद आपको चौथे महीने चाहिए 1 लाख का चेक। हालांकि पॉसिबल है यहाँ पे, ये 5G प्लान है, 2G नहीं है, 5G प्लान है, यहाँ पे पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया भी है जो चौथे महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद लेके आए इस बिजनेस में। डॉक्टर बनने के लिए समय लगाया, इसके लिए समय लगाया, उसके लिए समय लगाया, एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लगता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको हमें तो जल्दी साथ 2 महीने में दे दो, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ तक कि 12th पास करने के लिए भी आपने 12 साल का समय लगाया। 12th पास जिस पे आपको चपरासी की नौकरी की गारंटी नहीं है, वहां 12 साल का समय दिया, और नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें 6 महीने के अंदर ही डायमंड बनना है, समय देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कम समय है आपको बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए, आपको 10-15 लाख-20 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए, वो कम से कम 3 साल तो आपको ईमानदारी से देने चाहिए, कम से कम 3 साल का समय आपको यहाँ पे देना चाहिए। हाँ, अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आप 24 के हैं तो 25, 26, 27 में आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं अपने। अगर आप 52 के हैं तो 55 में, अगर आप 73 के हैं तो आप 76 में, किसी भी साल के तीन साल, किसी भी उम्र के 3 साल। बाकी जगह पे बहुत प्रॉब्लम है, एज की लिमिट होती है, यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है। अगर आपकी जो भी एज है उस एज में आप 3 साल जोड़ दीजिए प्रोविदा के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, 3 साल के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमें तो 3 साल भी नहीं हुए, आज जो हमारे अचीवर्स हैं कहाँ 3 साल हुए कंपनी को, आज 30 महीने हुए, लेकिन कोई 5 लाख के पे आउट पे, कोई 10 लाख के पे आउट पे, कोई 15 लाख के पे आउट पे, 1 लाख वाले तो बहुत हैं। मैंने मीटिंग की शुरू में आपको एक स्लाइड दिखाई थी, 80 से ज्यादा लोग ऐसे हमारे परिवार में, मोर देन 80, जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। सोचिए, 3 साल भी कंपनी को हुए नहीं अभी, पर 1 लाख से ऊपर की इनकम है। समय देना पड़ेगा, बिग अचीवमेंट नीड्स बिग टाइम। हथेली पे सरसों उगेगी नहीं, अगर शॉर्टकट में अचीवमेंट आ गया तो शॉर्टकट में जा भी सकता है। तो आपको समय देना पड़ेगा, जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल को ताजमहल बनने में कितने साल लगे, आपको पता है? इतने साल लगे, इसीलिए लोग आज उसकी टिकट पे करके उसको देखने जाते हैं। तो अगर समय दोगे तो टिकट लगेगा, और जल्दीबाजी करोगे तो विकेट गिरेगा, मर्जी आपकी है। समय के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है, पेशेंस रखना है। 3 साल कम से कम अगर आप यहाँ पेशेंस के साथ में लगे रहेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, अगर जल्दीबाजी करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। साइंस क्या बोलती है अगला पॉइंट इस बिजनेस का,
साइंस के हिसाब से हम अगली मिस्टेक क्या करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट। हम किसी सेमिनार में चले गए, किसी बड़े लीडर से मिल लिए, उसका पे आउट देख लिया और हम ओवर एक्साइटेड हो गए। जय हिंद, जय प्रोवेदा, अब तो मैं ये कर दूंगा, वो झंडे गाड़ दूंगा। और ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, शुरू के कुछ महीनों के अंदर आप रहने वाले हो पटना के, आपका एक दोस्त रहता है सपोज करो कश्मीर में, आपका क्लासमेट था कश्मीर में है वो, तो आप पटना से सीधे पहुंच जाओगे कश्मीर और जाके उसको, आपका आपके दिमाग में ऐसा होता है कि मैंने कश्मीर में अगर जाके उसको ज्वाइन कर दिया तो पूरा कश्मीर मेरे नीचे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जहां रहते हो वहीं से काम शुरू करो, ये जलेबी स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम आएगी। जहां रहते हो वहीं पे रह के काम शुरू करो, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको समय भी चाहिए, बाहर जाने के लिए आपको ट्रेन का फ्लाइट का टिकट भी चाहिए, बाहर जाने के लिए आपको होटल का स्टे भी चाहिए, और जहां जाओगे हो सकता है वहां 2-4-5 लोगों को खाना भी खिलाना पड़े। और शुरू में इस बिजनेस में इनकम कम आती है, एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, और धीरे 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 इनकम ज्यादा हो जाती है और एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो शुरुआत में आपको पैसा बचा करके और जहां रहते हो उसी इलाके से शुरू करना है। धीरे धीरे जब आप अच्छी इनकम पे आओ तो धीरे धीरे फिर आप पूरी दुनिया को आप डिस्कवर कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर तीसरे स्टेट, ऐसे करके आपका बिजनेस बढ़ा सकता है और पूरे हिंदुस्तान को आप कवर कर सकते हो। और आपको जान के खुशी होगी कि अगर इंडिया पूरा कवर कर भी लिया आपने, तो मैनेजमेंट जो है वो तैयारी कर रहा है नेपाल और बांग्लादेश की, बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। तो धीरे धीरे जो है हम ग्लोबल होने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम ना करें, प्रैक्टिकल रियल ग्राउंड पे काम करना है हमें। अगला पॉइंट जो साइंस बोलती है, नो प्रिपरेशन। इस बिजनेस में हमें डायमंड बनना है, हमें 5 लाख की इनकम चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी क्या है, हमारी प्रिपरेशन क्या है? बिना तैयारी के अगर हम इस बिजनेस में आएंगे तो फेल होने के लिए ही आ रहे हैं ना। फिर तैयारी हमारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो तैयारी है इस बिजनेस में वो है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं 4 बेसिक्स। क्या आपने लिस्ट बनाई? क्या आपने लिस्ट बनाना सीखा? क्या आपने इनविटेशन सीखा? क्या आपने शोधा प्लान करना सीखा? क्या प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना सीखा? अगर हम ये जो 4 बेसिक्स है, ये सबसे छोटी चीज है, लेकिन इसको हम नहीं कर पाते हैं। अगर इतनी सी तैयारी भी हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे डायमंड बनने के अधिकारी हैं, सोचिए आप। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 बेसिक्स हमें सीखने हैं, हमारी टीम में सिखाने हैं, तब जाके हम मजबूत और कंक्रीट बिजनेस कर पाएंगे। हमें लिस्ट बनानी है। अगर लिस्ट बनाने में डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट बनाएंगे और हम उसमें अगर हमारे रिश्तेदारों का नाम जोड़ देंगे और तो जाके उनको प्लान दिखाना पड़ेगा, और प्लान दिखा के अगर वो मना कर देंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो हम उसमें से अपने रिलेटिव आसपास के लोगों का नाम लिखते ही नहीं है। तो इसको, हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इस पर हम फोकस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, इसको हमें करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट साइंस क्या बोलती है, हमारा फेलियर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है रिक्रूटिंग डाउन। इस बिजनेस में हम कंफर्ट लेवल में रहना चाहते हैं। अगर हमारे पास होंडा सिटी है तो हम किसी मारुति स्विफ्ट वाले के पास जाएंगे प्लान दिखाने के लिए। अगर हमारे पास मारुति स्विफ्ट है तो हम किसी अल्टो वाले के पास जाएंगे प्लान दिखाने के लिए। अगर हम अल्टो मेंटेन करते हैं तो किसी बाइक वाले को जाके प्लान दिखाएंगे कि देख मेरे पास अल्टो है, तेरे पास बाइक है, जब मैं कर सकता हूँ तू भी, तेरे को भी करना चाहिए। और बाइक है तो हम किसी साइकिल वाले के पास या ऑटो वाले के पास जाएंगे। हम हमेशा अपने से कम वाले के पास जाकर के प्लान दिखाना, उससे बात करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि हम प्रेशर लेना नहीं चाहते ना। कंफर्ट लेवल में रह करके हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है नीचे वाले के पास जाएंगे तो उसको हम दबोच लेंगे, वो तो क्या बोलेगा। ऊपर वाले के पास जाएंगे तो हो सकता है हमसे बहुत सारे सवाल पूछेगा और हम जवाब दे नहीं पाएंगे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर आप अपने से ज्यादा क्वालिफाइड आदमी के पास प्लान दिखाने जाओगे तो आप बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास मारुति स्विफ्ट है और आप होंडा सिटी वाले के पास जा रहे हो प्लान दिखाने, तो उस होंडा सिटी वाले को भी मर्सिडीज चाहिए, उसके भी सपने हैं, उसका माइंडसेट आपसे बड़ा है। और अगर एक बार ऐसे लोग आपके परिवार में आ गए तो आपकी सिक्योरिटी 100% है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। आज की मीटिंग के हमारे होस्ट हैं सुखदेव पंडा जी। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया प्रोवेदा को, तो मैंने सबसे पहला प्लान सुखदेव पंडा जी को दिखाया। सुखदेव पंडा जी जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उनकी 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी है। मैं 12th पास आदमी, फौजी आदमी, मेरी सैलरी 16,000 रुपए की सैलरी, मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको मैंने प्लान दिखाया तो उनके भी सपने थे।
ऐसा नहीं कि उनके सपने नहीं थे, उनके सपने थे तो उन्होंने अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वो मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। और उसका फायदा क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे पता नहीं था जूम मीटिंग कैसे होती है, मुझे तो ना पता था, मैंने नाम ही नहीं सुना था, उनको पता था क्योंकि वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है, वो इंजीनियर है। तो अब 7:45 पे वो डेली मीटिंग करते हैं और मैं फ्री हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने से अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लेके आओगे तब जाके आप इस बिजनेस में फ्री हो पाओगे, तब जाके आप टाइम फ्रीडम और ये सब जितने भी फ्रीडम हम बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ना, सिक्योरिटी, ये सब चीज को आप इंजॉय कर पाओगे। तो कभी भी अपने से नीचे नहीं, अपने से ऊपर वाले को प्लान दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो साइंस बोलती है, फोकस ऑन हंटिंग इंस्पाइट ऑफ कल्टिवेशन। हम इस बिजनेस में शिकारी की तरह काम करते हैं, नया आदमी दिखाई दिया, पकड़ लिया, दबोच लिया, उसको जोड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर को मिला, उसको जोड़ा, फिर छोड़ दिया, उसको जोड़ा, छोड़ दिया। लोगों को तो बहुत जोड़ लिया लेकिन उनको हम कल्टीवेट नहीं कर पाए, छोड़ दिया उनको, डेवलप नहीं कर पाए। चाहे कम ही लोगों को जोड़ो लेकिन जिनको आप जोड़ रहे हो उनको डेवलप करो। हमें क्या करना है, हमें इस तरह से काम करना है, कल्टीवेशन। जैसे पौधों को हम बीज बोते हैं ना, फिर धीरे धीरे उनको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, कोई बकरी ना खा जाए उस प्रोटेक्शन करते हैं, और उसमें से कुछ पौधे जो हैं वो बड़े होते हैं और हमें बहुत बड़ा फ्रूट मिलता है वहाँ से लाइफ टाइम के लिए। तो जिन लोगों को आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको डेवलप करना आपको चाहिए। हाँ, 6 महीने का वक्त दो उसे, 6 महीने के बाद जरूरत नहीं है। अगर 6 महीने बाद भी आप उनको वक्त दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने उनको डुप्लीकेट नहीं किया। तो आपको 6 महीने उनको सब कुछ सिखाना है, 6 महीने पूरा सपोर्ट करना है, 6 महीने के बाद जब वो अब मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने आपको पूरा फोकस उनके ऊपर करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये बिजनेस साइंस जो हमें बताती है, वो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीक मोर शो लेस। इस बिजनेस में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मतलब चुप ही नहीं होते, इतना बोलते हैं कि लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार ये आ गया, अब ये तो चुप ही नहीं हो, मतलब वो सुनेंगे नहीं किसी की, वो वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर वो चुप ही नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमें कम बोलना है, दिखाना ज्यादा है, शो ज्यादा करना है। प्लान को बोलना नहीं है, प्लान को दिखाना है। प्रोडक्ट को बोलना नहीं है, प्रोडक्ट को दिखाना है। अचीवमेंट को बोलना नहीं है, अचीवमेंट को दिखाना है। तो अगर आपने चीजें दिखानी शुरू कर दी, ये हमारे अचीवमेंट है, ये हमारी कंपनी, ये हमारे प्रोडक्ट है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बोलना कम है, दिखाना ज्यादा है। 11th पॉइंट, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ये, क्रॉस लाइन टॉक्स। साइंस नेटवर्क मार्केटिंग ये बोलती है कि इस बिजनेस में क्रॉस लाइन टॉक्स जो है वो कैंसर होती है। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलती है। हम क्या करते हैं, क्रॉस लेग तो देखो बनेगी बनेगी, हम क्या करते हैं, हमारी टीम में क्या हो रहा है हमें उसकी परवाह नहीं है, क्रॉस टीम में कौन आदमी काम कर रहा है, कौन आदमी काम नहीं कर रहा है, हम फोन लगाएंगे, तेरी अपलाइन कैसी है, तेरी डाउनलाइन में कौन काम कर रहा है, तुम अपने टीम में क्या ऑफर डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब अगर बिजनेस की बातें अगर आपने शुरू कर दी क्रॉस लाइन के साथ में तो गड़बड़ है। हमारे सुन लेले जी बोलते हैं कि क्रॉस लाइन के साथ बैठ के चाहे चाय पी लो, चाहे पानी पी लो, चाहे खाना खा लो एक थाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने बिजनेस की बातें शेयर कर दी तो आपको, आपके बिजनेस को कैंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। आपको हैप्पी दिवाली करना है, हैप्पी दशहरा करना है, हैप्पी होली करना है, करो, लेकिन बिजनेस की स्ट्रक्चर की और बिजनेस की बातें अगर आपने क्रॉस टीम से शेयर कर ली तो आपका बिजनेस, माय डियर फ्रेंड्स, खत्म हो जाएगा। अपनी टीम के अंदर इन्वॉल्व रहो आप। हमें दुनिया में सब पता है कहां पे क्या हो रहा है, लेकिन हमारी टीम में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। तो क्रॉस लाइन इज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। 12th पॉइंट जो साइंस बोलती है, आफ्टर ए लिटिल सक्सेस स्टार्ट कंपीटिंग विद अपलाइन। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है इस बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, हमारी जो अपलाइन है उसके साथ में कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। अपलाइन के साथ, वो व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में लेके आया था उसके साथ कंपटीशन, मैं तुमसे पहले डायमंड बनूंगा, अपलाइन को चैलेंज, मैं तुमसे बड़ा पे आउट लेके आऊंगा। सोचो आप कितना गलत कर रहे हो आप, अपलाइन के साथ कंपटीशन कैसे हो सकता है। इस रूम में ये लाइट भी लगी हुई है, ये फैन भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, एसी बोलेगा कि मैं तो ठंडक देता हूं, पंखा बोलेगा मैं हवा को फैलाता हूं, ये लाइट बोलेगी मैं रोशनी देती हूं, और गलती से करंट चला गया, बिजली चली गई, क्या होगा,
सब कुछ खत्म। अपलाइन आपकी लाइफ में बिजली है, ये जो ठंडक और रोशनी और हवा है ना, वो किसी और की वजह से है। ये बिजनेस जो है वो डाउनलाइन का नहीं है। अगर डाउनलाइन खत्म भी होगी ना सारी, तो भी कभी अफसोस मत करना, अपलाइन सलामत रहनी चाहिए। अगर अपलाइन सलामत है, डाउनलाइन दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपलाइन का बिजनेस है। फिर भी क्या है, कई बार ईगो आ जाता है। ईगो, कई बार मैंने देखा लोगों को थोड़ी सी सफलता मिलती है, ईगो आ जाता है, कंपटीशन। और ईगो जो है ना वो नजर नहीं आता, उसका असर आपके बिजनेस में आ जाता है। अपलाइन कैसे आपका बुरा चाह सकती है, सोचो आप। मतलब ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है। मैंने कई बार देखा अपलाइन से लोगों को झगड़ते हुए, अपलाइन से कंपटीशन करते हुए। अपलाइन है जो आपका भला चाहती है। ऐसे बहुत सारे काम है जो जो आपको पता भी नहीं, जो आपकी अपलाइन कर रही है आपके लिए। मैं, मेरा बिजनेस मेरी वजह से चलता है। नहीं भाई, आपका बिजनेस आपकी वजह से नहीं चलता है। एक चाबी है और एक छल्ला है, हर चाबी के पीछे एक छल्ला लगा होता है। अगर चाबी बोले कि ताला तो मैं खोलती हूँ, चाहे वो कार का हो, चाहे वो घर का हो, किसी का भी हो, और ये छल्ला जो है ये तो कुछ करता नहीं है, इसको मेरे पीछे क्यों लटका रखा है। कभी चाबी से छल्ले को अलग करना, और उसका नतीजा क्या होगा, चाबी का अता पता गुम हो जाएगा। अपलाइन जो है वो आपकी लाइफ में छल्ला है, वो आपको इकट्ठा करके रखता है, आपको गुम होने नहीं देता। अगर आपने अपने अपलाइन से अपने आप को दूर कर लिया किसी भी वजह से, छोटे मोटे वाद विवाद, छोटे मोटे फ्रिक्शन होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है उस मीटिंग में हमारे एक बहुत ही शानदार लीडरशिप है लखनऊ से, सुमित सर, उन्होंने एक बात बोली मुझे दिल में, मतलब वो घर कर गई। उन्होंने बोला कि बिजनेस जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग, एक सेंटेंस में बोला कि एक सेंटेंस में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये बिजनेस खुद कभी नाराज नहीं होना, और जो नाराज है उसको मनाना, खुद कभी रूठना नहीं है, और जो रूठा हुआ है उसको मनाना है। इतना सही बिजनेस है। हम छोटी सी बात होती है रूठ जाते हैं, अपलाइन से फोन पे बात नहीं करेंगे, या डाउनलाइन से फोन नहीं उठाएंगे उसका, है ना। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना में आ जाते हैं। अगर वो वहाँ मीटिंग कर रहा है तो मैं भी वहाँ मीटिंग करूंगा, उसके बाद 100 लोग आ रहे हैं तो मेरे प्लान के पास 100 लोग आ रहे हैं तो मेरी मीटिंग में 150 लोग होने चाहिए। रॉन्ग कंपटीशन, मत करना ऐसा कंपटीशन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। सफलता कैसे आती है, डाउनलाइन और अपलाइन जब मिल जाए ना आपस में, तब बड़ी सफलता आती है। डाउनलाइन का जोश, अपलाइन का होश, डाउनलाइन का उत्साह और अपलाइन का अनुभव। जब जोश जो है वो होश की आंखों से देखे, तब जाके सफलता आती है, तब जाके रियल जो है वो अचीवमेंट आते हैं। तो अपलाइन का जो हम सम्मान कर रहे हैं ना, इसको हम एडिफिकेशन बोलते हैं। ये एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपलाइन का सम्मान नहीं है वो, अपलाइन के अनुभव का सम्मान है। डिफेंस में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे जहाँ पे ये सितारे लगे होते हैं यहाँ पे कंधे पे हमारे, तो हम उसको सैल्यूट करते हैं, जय हिंद सर। तो हम उस आदमी को सैल्यूट नहीं कर रहे, हम उसके उसके जो सितारे ना या स्टार लगे हुए हैं उसको सैल्यूट कर रहे हैं, हम जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो अपलाइन का सम्मान जो है उसके अनुभव का सम्मान है। कभी भी कंपटीशन मत करना। तो ये 12 पॉइंट्स, जो 12 मिस्टेक थी जो जाने अनजाने हम लोग कर रहे थे, ये मैंने आपको एक एक करके बताई। और मेरा ऐसा मानना है कि जरूर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार अपना हैंड रेज कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितने लोगों को अच्छी लगी है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा। एक बार हैंड रेज कीजिए फटाफट सब लोग, एक मिनट का टाइम आपके पास में। वाह, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। ग्रेट 95, 100, 110, 120, वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो साइंस ने आपको ये बताया, बढ़ते जा रहे हैं हैंड रेज, 150 के आसपास पहुंच गए, ग्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेटवर्क मार्केटिंग साइंस है वो ये बोल रही है कि अब हमें ये 12 मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक बार सब लोग अपने हैंड रेज नीचे, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार सबके लोअर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका जो ये वेलकम है, वार्म वेलकम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ये 12 चीजें मैंने आपको बताई, जो जाने अनजाने हम ये गलतियां कर रहे थे,
आज के बाद ये गलतियां हमें नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि हमारे पास अभी जो 12 मिस्टेक के बाद में जो कुछ क्वालिटीज हैं उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप लिखा है क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, और इस क्वालिटीज के आसपास में ऑनेस्टी, एफिशिएंट कम्युनिकेशन, नॉलेज, कंसिस्टेंसी, विजनरी आउटलुक, सेल्फनेसनेस, करेज, विल पावर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब तो अच्छी बात है, होनी चाहिए आप में, लेकिन साइंस के हिसाब से आपके अंदर और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मैं आज उस पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग साइंस है वो क्या बोलती है कि अगर इन क्वालिटीज के अलावा आपने ये क्वालिटीज ऐड कर ली तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो क्वालिटीज क्या है वो वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। समय हो गया है 4:16, तो लगभग हमें 1 घंटा हो चुका है। अगले कुछ मिनट में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा 12 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। अगर आपको रियली इस बिजनेस में डायमंड, ब्लू डायमंड, क्राउन बनना है, 10-20 लाख में पहुंचना है, तो ये कुछ क्वालिटीज आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी। और जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है आपके सामने स्क्रीन पे, डोंट बी लेजी, कभी आलस मत करना। अगर 8 घंटे आपकी हैबिटस होने की तो कोशिश करो कि 7 घंटे या 6 घंटे में काम चल जाए, 1-2 घंटा आप बचा सकते हो अपने, और वो 1-2 घंटा आपके लिए बहुत काम आएंगे। कभी भी आलसी व्यक्ति लीडर बन नहीं सकता, कभी भी आलसी व्यक्ति डायमंड बन नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको इस आलस को अपनी लाइफ में से हटाना है। सुबह जल्दी उठना है, दिन में नहीं सोना है। मैंने देखा कुछ लोग को दिन में भी 2-3 घंटे सोते हैं, खाना खाने के बाद 2 घंटे की नींद चाहिए उन्हें। कितने घंटे तो आपने सोने में निकाल दिया, आधी से ज्यादा जिंदगी तो सोने में चली गई। इस स्क्रीन पे देखो यहाँ लिखा हुआ है डोंट बी लेजी, कभी आलस मत करना। एक खरगोश है और उसके पास में एक ये कछुआ है। कहानी अभी आपने सुनी होगी खरगोश की कछुए की, कि खरगोश जो है वो हार गया और कछुआ जीत गया। माय डियर फ्रेंड्स, कछुआ जो है वो सबसे आलसी प्राणी होता है, ये सिर्फ कहानियों में जीतता है, रियल लाइफ में कछुआ कभी जीत नहीं सकता। ये कहानियों की बातें हैं, साइंस जो है वो अलग है। साइंस बोलती है कि कछुआ हारेगा हारेगा, क्योंकि वो आलसी प्राणी है। एक बार क्या हुआ कि एक कछुआ परिवार जो है वो पिकनिक पे जाने की प्लानिंग करता है, क्योंकि आलसी लोग हैं, तो पिकनिक पे जाने के लिए सोचने का वक्त उनको करीब करीब 3 साल लग जाते हैं कि पिकनिक पे जाना है। उसकी तैयारी करने के लिए 3 साल का वक्त लगा देते हैं कहाँ जाए। 3 साल के बाद में पूरा कछुआ परिवार एक जगह को डिसाइड करता है कि हाँ पिकनिक में वहां जाएंगे, और जाकर के जब देखता है तो जगह थोड़ी खराब होती है, तो अगले 6 महीने लग जाते हैं उनको उस जगह को साफ करने में। 6 महीने जब जगह साफ करते हैं उसके बाद वो कछुआ परिवार जैसे ही अपने घर से खाने पीने का सामान एक टोकरी में लेकर आया होता है, उस टोकरी को जैसे ही खोलता है तो देखता है कि उसमें नमक नहीं है, और बिना नमक के तो पिकनिक का मजा नहीं आएगा, खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो पूरा परिवार डिसाइड करता है कि नमक तो लेके आना पड़ेगा। उस परिवार में, उस धीरे धीरे चलने वाले कछुए परिवार में जो सबसे फास्ट चलने वाला कछुआ होता है उसको कहा जाता है कि आप नमक लेके आओ। वो कछुआ बोलता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि जब तक मैं नमक लेके नहीं आऊंगा तब तक कोई भी इस खाने की टोकरी को हाथ नहीं लगाएगा। सारा परिवार तैयार हो जाता है कि ठीक है जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। वो कछुआ नमक लाने चला जाता है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, 5वां साल भी चला जाता है इंतजार में, और 6ठे साल की शुरुआत में जो सबसे बुजुर्ग कछुआ होता है उस परिवार में, सबसे ओल्डेस्ट, वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बोलता है कि चाहे नमक आए या नहीं आए अब मैं तो खाना खाऊंगा, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूं, मैं बिना नमक के खाना खा लूंगा। और जैसे ही वो टोकरी पे अपना हाथ रखता है वो नमक वाला कछुआ एक पेड़ के पीछे से निकल के आता है और पेड़ के पीछे जा करके बोलता है कि मुझे पता था कि आप लोग मेरे नमक लाने के से पहले खाना खा लोगे, इसलिए मैं नमक लेने नहीं जाऊंगा। मैं नमक लेने नहीं जाऊंगा। कितने आलसी है सोचो आप, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो। माय डियर फ्रेंड्स, कभी आलस मत करना। अगर आपको रियली लीडर बनना है, रियली आपको डायमंड बनना है, तो हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा अलर्ट, खुद भी जागना है और लोगों को भी जगाना है। 2022 शुरू हो चुका है, आओ मिलकर के पूरा दम लगाते हैं। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगाते हैं, मिलकर के लोगों को जगाते हैं ना, क्या दिक्कत है, तभी मजा आएगा। तो आलस नहीं करना है कभी भी।
नेक्स्ट क्वालिटी जो है आपके अंदर, मैं कई बार बोलता हूँ कि बिजनेस स्पीड का है, हमेशा स्पीड से करना है इस बिजनेस को, और स्टार्ट अलोन। अब जब आलस नहीं करना है, शुरुआत करनी, तो शुरुआत हमेशा अकेले करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपका कोई साथ नहीं देगा, और जब आप धीरे धीरे सफल होंगे तो फिर धीरे धीरे लोग आपके साथ आएंगे। जो लोग मजाक उड़ाते थे वो लोग आपके साथ आएंगे, जो 30 महीने पहले मेरा मजाक उड़ाया करते थे आज वो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन 30 महीने पहले वो मजाक उड़ाया करते थे, नहीं चलेगी, कुछ नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं सकते, हम भी देख लेंगे। लेकिन आज वो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वापिस से, क्योंकि अब वो प्रूव हो चुका है ना, सफल हो चुके, तो अब सफलता उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपने आप। तो स्टार्ट अलोन, इस बिजनेस को अकेले शुरुआत करनी है इसकी। और उसके बाद तीसरा जो क्वालिटी है आपके अंदर साइंस के हिसाब से, वो है कंप्लीट सबमिशन, समर्पण। इस बिजनेस में आपका 100% समर्पण चाहिए आपकी अपलाइन के प्रति। 100 मतलब 100। ये आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं, और इनके ये दो बच्चे हैं, एक गणेश भगवान है और दूसरे जो है वो कार्तिकेय है। इन दोनों में कंपटीशन होता है कि तेज कौन, ज्यादा तेज कौन। तो फैसला होता है कि जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा पहले, चक्कर लगा के जब जो सबसे पहले यहाँ आएगा वो जीतेगा, वही तेज। तो कार्तिकेय जी जो है वो उनकी सवारी है मोर, वो मोर के ऊपर विराजमान होते हैं और निकल जाते हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए। और जो ये गणेश जी हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं। शिव जी पूछते हैं कि बेटा तुम नहीं जाओगे? बोला हाँ पिताजी पक्का जाऊंगा। और वो अपने माता पिता का चक्कर लगा करके गोल गोल घूम करके वहीं पे और वो आके खड़े जाते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इस रेस में गणेश जी जो है वो जीतते हैं, क्योंकि उनका समर्पण है माँ बाप के लिए पूरा, उनका ब्रह्मांड माँ बाप है। इस बिजनेस में अगर आपका समर्पण आपकी अपलाइन के लिए होगा तभी आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाएंगे। 100% सबमिशन। जो भी आपका सवाल जवाब पूछने हैं काम शुरू करने से पहले पूछ लो। एक बार जब युद्ध शुरू हो गया तो फिर मैं तीर नहीं चलाऊंगा, वो सामने मेरे चाचा जी हैं, सामने मेरे दादाजी हैं, सामने वो है, वो सब नहीं चलेगा। जो सवाल पूछने हैं वो पहले पूछ लो। एक बार शुरू कर दिया फिर 100% सबमिशन। ये जो गाड़ी चल रही है आप देख रहे हो सेकंड फोटो के अंदर, ये धुंध की रात है। आजकल जब सर्दी होती है तो बड़ा कोहरा छा जाता है और कोहरे में ड्राइविंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, हमारे सामने जो गाड़ी जा रही होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कुछ भी हो, उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेते हैं। 100% सबमिशन के साथ हम उसको फॉलो करते हैं। वो अगर 40 पे है तो हम भी 40 पे, अगर उसने ब्रेक लगाया तो हमने भी ब्रेक लगाया, वो 60 पे तो हम भी 60 पे, बिल्कुल मैच, बिल्कुल एक के पीछे एक। हम कभी सवाल नहीं करते उस समय कि ये जो गाड़ी चला रहा है ये महिला है कि पुरुष है, ये जो गाड़ी चला रहा है आगे ये इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, कभी नहीं सवाल करते, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। फॉलो अप मतलब 100% फॉलो अप। हम कभी नहीं सोचते कि जो चला रहा है गाड़ी ये ड्रिंक किया है कि नहीं किया। कितना समर्पण उस व्यक्ति के ऊपर जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन अगर 100% सबमिशन किया तो जहां पे वो पहुंचता है हम भी वहां पहुंच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन पे आपको 100% समर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस में जहां आपकी अपलाइन पहुंचेगी वहां पे आप भी पहुंच जाएंगे। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप उस अपलाइन को 100% सबमिशन दो जो अपने अपलाइन को 100% सबमिशन देता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। उस अपलाइन को समर्पित हो जाओ जो अपनी अपलाइन के लिए समर्पित है। आप सुखदेव पंडा जी को तभी समर्पण देना जब वो मेरे लिए समर्पित हो। अगर हम अपनी अपलाइन के लिए समर्पित नहीं है, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारा एडिफिकेशन करें, लेकिन हम नहीं करें अपलाइन का एडिफिकेशन, हम उसकी बात को नहीं माने। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो आपकी डाउनलाइन कभी आपके लिए समर्पित नहीं हो पाएगी। साइंस ये बोलता है और ये प्रूवन है, बिल्कुल प्रूवन है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप भी अपने अपलाइन की एडिफिकेशन आज से ही शुरू कर दो। ये साइंस प्रूवन है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोग होते हैं जो ये सब मैंने आपको बताया कि फॉलो अप करना है, फिर भी क्या वो उनके अंदर ईगो या कुछ भी रीजन हो सकता है और वो अपनी अपलाइन की बात नहीं मानते और अपना दिमाग लगाते हैं
और जहां पे भी उन्होंने अपना दिमाग लगाया है उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है। एक छोटा सा क्लिप में कई बार दिखाया करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बिना पूछे अगर अपलाइन से कोई डिसीजन लेंगे तो आपके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी प्लानिंग करने से पहले पूछिए जरूर। कुछ भी करने से पहले पूछिए, बिना पूछे अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपकी गाड़ी खड्डे में जा सकती है। वर्क विद वर्किंग पीपल, साइंस बोलता है कि अपने समय को वेस्ट ना करें। इस बिजनेस में दो तरह के लोग आपके परिवार में आएंगे। कुछ लोग होंगे जो बल्ब होंगे, फ्यूज बल्ब, इनका कोई सपना नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं है, इन पे कितनी भी मेहनत करो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। और कुछ लोग आपके परिवार में ऐसे आएंगे जिनके अंदर आग है, चिंगारी है, बल्ब पे फूंक मारोगे कुछ नहीं होगा और आग पे फूंक मारोगे बड़ा काम हो सकता है। ये खुद भी डायमंड बनना चाहता है और ये आपको भी डायमंड बनाएगा, लेकिन काम किसके साथ करना है? वर्क विद वर्किंग पीपल। हम लोग क्या करते हैं, हर मीटिंग सेमिनार के बाद सबसे पहले फोन करते हैं उस आदमी को जो मीटिंग में नहीं आया होता है। अरे आप मीटिंग में नहीं आए, आज की जूम मीटिंग के बाद आप उस व्यक्ति को फोन करोगे जो आज की मीटिंग में नहीं आया। अरे आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, इतनी अच्छी बातें हुई थी वहां पे। माय डियर फ्रेंड्स, हम गलत कर रहे हैं। वर्क विद वर्किंग पीपल, आज इस मीटिंग में कौन है वो चेक करो। आपकी टीम से कौन इस मीटिंग के अंदर है, मीटिंग के बाद सबसे पहले उसको फोन करो कि कैसा लगा, मिलके करते हैं काम, उसके अंदर आग है, वो मीटिंग में है इसीलिए। तो हवा उसको दो, जो चिंगारी है, चिंगारी को हवा दोगे तो वो डायमंड बन सकता है, ज्वाला बन सकता है। कैसे बन सकता है देखिए, आप इस तरह से बन सकता है। तो वर्क विद वर्किंग पीपल, रिलेशनशिप बिल्डिंग। साइंस क्या बोलती है, ये बिजनेस जो है वो रिलेशन का बिजनेस है। रिलेशन, अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आप अगर मास्टर हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, कितने अच्छे स्पीकर हैं, वो एक तरफ है, और आपके रिलेशन लोगों से कैसे हैं वो दूसरी तरफ है। रिलेशन की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पसंद आ गए तो आपका बिजनेस अपने आप पसंद आ जाएगा, और अगर आप पसंद नहीं आए लोगों को तो फिर आपका बिजनेस भी पसंद नहीं आएगा। ये बिजनेस लोगों को, हम बोलते हैं ना कि कन्विंस करने का बिजनेस है, हमें कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कनेक्ट कर पाए तभी तो कन्विंस कर पाएंगे ना, और इस कनेक्शन को ही बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो लोगों के साथ रिलेशन बनाएं आप, क्या चल रहा है उनके परिवार में, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करें आप। हर समय बिजनेस की बात भी ना करें। कुछ लीडर्स क्या करते हैं, 31 तारीख को फोन करेंगे, पूरे महीने में कभी याद नहीं आती है 31 तारीख को फोन आएगा, वो भी रात के 11 बजे, कि कितना बिजनेस क्लोज कर रहे हो भाई। सोचो रात के 11 बजे 31 तारीख को अगर आप ऑनलाइन से पूछोगे कितना बिजनेस, तो वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी वहां पे। महीने की शुरुआत में बात करो, उसके परिवार के लिए बात करो, उसकी हेल्थ के बारे में बात करो, आपको हर चीज पता होनी चाहिए अपनी टीम के बारे में। अगर आपने उसको जीत लिया तो फिर आपका अधिकार है कि बिजनेस वॉल्यूम कितना कर रहे हो ये पूछने का। अगर आपने उसको नहीं जीता तो फिर मतलब नहीं है। तो रिलेशन जो है वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। लोगों के साथ आप रिलेशन बनाएं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अच्छा एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, मिट सकती है दूरियां, बड़ा प्यारा वीडियो, मुझे बहुत पसंद आता है। ये बिजनेस जो है ना वो दूरियां मिटाने का बिजनेस है। अगर आपकी और आपकी टीम के बीच में गैप कम हो गया, अच्छे रिलेशन बन गए, मजबूत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई, तो फिर बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये दूरियां मिटानी है और कुछ भी नहीं करना है। मैंने कई बार देखा कि अपलाइन डाउनलाइन में इतनी दूरियां इतनी बड़ी खाई हो जाती है कि वो लोग आपस में बात ही नहीं करते, कोई रिलेशन ही नहीं उनके बीच में। तो ये दूरियां हमें मिटानी है, और ये छोटा सा वीडियो आप देखिए किस तरह से मिट सकती है ये दूरियां। बड़ा प्यारा वीडियो है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कई बार दिखाता हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ आपको। पिज्जा, पिज्जा, अच्छा वही तो बोला था, पिज्जा। जाने कहां से आई है हमें दुनिया, कौन किसी ने कब लाई है ये दूरियां।
हाथ भर का फासला क्यों रहे ये भला, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, हिंदी मीडियम डब्बा है चलेगा। मिट सकती है दूरियां, और माय डियर फ्रेंड्स रियल में ये बिजनेस जो है दूरी मिटाने का बिजनेस और कुछ भी नहीं है। अगर आप पसंद आओगे, आपका आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, सब कुछ पसंद आएगा लोगों को ना। दूरियां मिटानी है, लोगों से रिलेशन बनाने हैं, और ना तारीफ भी करनी तो सच्ची वाली करनी है ना। रिलेशनशिप बिल्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक किताब है लोक व्यवहार, आपने पढ़ी होगी, तो उस बुक में सब कुछ बताया गया है। तो हमें क्या करना है, हम कहीं जाते हैं किसी के घर पे या कहीं भी, तो सबसे पहले हमें वहाँ का एक अच्छा माहौल बनाना है ना, तारीफ भी। जैसे घर में कोई पेंटिंग है उसकी तारीफ करनी है, अगर बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं तो उनके गाल पे ऐसे ऐसे हाथ लगाना है ना, मतलब एक सच्ची तारीफ। ऐसा नहीं कि हाँ पूरा चूना झड़ रहा है और हम बोल रहे हैं कि क्या घर बना रखा है आपने ना, ऐसा नहीं करना। सच्ची तारीफ हमें करनी है, उसके साथ अगर आप हम शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं और बिजनेस तो बड़ा हो ही जाता है। साइंस क्या बोलती है नेक्स्ट, क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके अंदर, लगातार प्रयास, कीप पेशेंस। बिजनेस जो है वो ईसीजी की तरह है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगातार आपके प्रयास होने चाहिए, कंटिन्यूस एफर्ट। जिस तरह से चिड़िया देख रहे हैं आप, ये जो घोंसला बना रही है, तो इसमें एक एक दाना इकट्ठा करके उसने ये घोंसला बनाया। और एक शायर ने एक शायरी में बड़ा प्यार से इसको समझाया है, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार प्रयास हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहा है चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहा है, सबका सम्मान करें। हर तिनके को पिरो करके एक बड़ा आशियाना बनाया जा सकता है। सब कुछ दांव पर लगाना। इस बिजनेस में बड़ी सफलता आपको तब मिलेगी जब ये पता चले कि आपने क्या दांव पे लगाया है, आपने क्या लगाया है दांव पे। आज प्रोविदा में आप 5 लाख 10 लाख की इनकम तो चाहते हैं, लेकिन आपने उसके लिए क्या दांव पे लगाया है। लगाने को कुछ तैयार नहीं है, लेने को सब कुछ चाहिए। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था, हमारे जो ये सीनियर साथी आज की मीटिंग में जितने भी हमारे डायमंड्स एंड क्राउन है, जितने भी एमरल्ड्स हैं, हमने उस समय अपना सब कुछ दांव पे लगाया था जब प्रोविदा इंडिया प्रोविदा हर्बल्स थी, जब प्रोविदा को कोई जानता नहीं था, नई कंपनी थी बिल्कुल। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम यहाँ पे सफल नहीं हुए तो हमारा कैरियर खत्म हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे ऊपर फेलियर का ठप्पा लग सकता है। लेकिन हमने उस समय अपना सब कुछ दांव पे लगाया, सब कुछ। राज कपूर का नाम आपने सुना होगा, राज कपूर
जब उन्होंने मूवी बनाई थी मेरा नाम जोकर, फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने अपना घर और स्टूडियो जिसको जिसका नाम है आरके स्टूडियो, वो दाव पे लगा दिया था, मॉर्गेज बैंक को दे दिया था, और उसके बाद अगली फिल्म बनाई, उसका नाम था बॉबी, और बॉबी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई। क्या आप सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार हो? क्या कोई सब कुछ दाव पे लगा सकता है? अगर जवाब यस है तो उसको कोई रोक नहीं सकता डायमंड बनने से। सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। सोचिए आपने क्या दाव पे लगाया, आपकी प्रायोरिटी प्रोग्रेस क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड है, थर्ड है? अगर हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं बड़ा? हम टाइम यहाँ देते नहीं कुछ, हमारी मतलब प्रोग्रेस को अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, सतवीर सर बोलते हैं कि प्रोग्रेस जो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी तभी जाके बड़ा काम हो पाएगा। हम इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं, समय मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के बड़ा काम होगा। परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इस बिजनेस में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी दो तरह की होती है, एक तो जो आपने कभी करी थी अचीवमेंट, आपने किया था परफॉर्म किया था वो, और एक है आपका आज का करंट अचीवमेंट। आज तारीख है 16 जनवरी 2022, आपने 2022 में क्या परफॉर्म इस समय आप कर रहे हो, वो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट परफॉर्मेंस, पहले वाली नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले कभी किसी कंपनी में किसी लेवल पे थे या कुछ टीम बनाई थी, आज तक उसको भूल नहीं पा रहे हैं। मेरी टीम में इतने लोग थे, मैं वहां पे इस लेवल पे था, मेरा पे आउट वहां पे ये था ना, चला गया, वो भूतकाल है, वो तो चला गया। आज क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या है? कोई भी आदमी पुराना अखबार पढ़ना पसंद नहीं करता, सबको अखबार भी डेली फ्रेश चाहिए। आपका पुराना अचीवमेंट कौन सुनेगा? आपने पहले क्या किया भूल जाइए उसको, जो किया अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को आज तक आप गिना रहे हैं, उसको छाती पे लेके घूम रहे हैं। आज प्रोविदा में आपका करंट परफॉर्मेंस क्या है? आप जिस भी बैकग्राउंड से आए थे, जिस भी कंपनी से आए थे, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जिस भी फील्ड से आप आए थे, लेकिन प्रोविदा में तो यहाँ पे तो यहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होगा, यहाँ का अचीवमेंट काउंट होगा। तो आज आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो बहुत जरूरी है। आपने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, 1983 चला गया, 2011 भी चला गया, आज इंडिया की टीम क्या कर रही है वो देखा जाएगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपको भुला देंगे। इस बिजनेस में लोग जो है ना आपके लिए बहुत ताली बजाएंगे, आपको बड़े बड़े सम्मान देंगे, आपको ट्रॉफी मिलेगी, आपको बूके मिलेंगे, आपको लोग माला पहनाएंगे, लोग आपका ऑटोग्राफ भी लेंगे, लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। जिस दिन परफॉर्मेंस बंद, तालियां बंद। तालियां जो है वो परफॉर्मेंस का बाई प्रोडक्ट है, तालियां जो है वो परफॉर्मेंस का बाई प्रोडक्ट है। अगर आपकी 16 जनवरी 2022 से परफॉर्मेंस कम होगी तो आपकी आपका सम्मान, आपकी तालियां, सब कुछ कम हो जाएगी। लोग छोड़ते नहीं है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा लोग उसको भुला देते हैं। सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम में, जहां मुंबई में, जहां का उनका उनका होम टाउन है, वो परफॉर्म नहीं किया था, लोगों ने उनको हुटिंग करके बाहर निकाल दिया था। 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह, 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह को भी लोगों ने भुला दिया। जब बोली लगी थी आईपीएल में तो सबसे कम बोली पे उसको खरीदा गया था। परफॉर्मेंस खत्म, सब कुछ खत्म माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा परफॉर्म करना है, वो भी करंट परफॉर्म। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में जिस तरह से आज 16 तारीख है, जो हम बिजनेस जो हम करके अभी तक पहुंचे हैं इस 15 दिन के अंदर, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है दिसंबर के, और अब जो 2022 है इसमें हम बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं ना, मुझे पूरा भरोसा है मैनेजमेंट पे और पूरी टीम पे, हर एक प्रोविजन पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 का जो हमारा टारगेट है, जो सर ने एक टारगेट लिया था कि इस साल हम कितना टर्नओवर करेंगे, उस टर्नओवर को हम क्रॉस करके दिखाएंगे, इस बार 100% क्रॉस करके दिखाएंगे। तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ साइंस क्या बोलती है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, आपके साथ जुड़े, तो तुरंत ये 5 चीजें बंद कर दें, 5 C's। क्या क्या है? लोगों की आलोचना बंद कर दें, लोगों के बारे में बुरा कहना बिल्कुल बंद, आज से बुराई बिल्कुल बंद। कभी कभी मन करता है बोलने का ना, बुरा बोलने का मन करता है, पेट में गैस बन जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते इस जबान को,
मन करेगा बुराई करने का, लेकिन जब भी मन करे बुराई करने का तो इस उंगली को उठाना है और ऐसे चुप, अंदर अंदर गुड़बुड़ चलता रहेगा, गुड़बुड़ गुड़बुड़ की आप बोलू बोलू बोलू, लेकिन बोलना नहीं है। बुराई अगर करोगे तो आप अपने अपने लोगों को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि जिसकी आप बुराई कर रहे हो उसके पास वो खबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो वो आपसे दूर हो जाएगा। जब भी बुराई करने का मन करे चुप, भलाई करनी है तारीफ करनी है खुल के तारीफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेन करना बंद कर दो, शिकायत करना बंद कर दो। आज जो डायमंड है ये लोग भी वही अचीवर हैं जिन्होंने एडवर्स कंडीशन में काम करके डायमंड बने, इन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। ब्रूसली का एक पैर जो था ना, ब्रूसली उसका एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा था, कभी शिकायत नहीं करी। सूरदास कभी शिकायत नहीं करी कि मेरे को दिखता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, शिकायतें करना बंद करो। छोटी छोटी शिकायतें, छोटे छोटे प्रॉब्लम पे शिकायतें, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, या तो शिकायतें कर लो या फिर अचीवमेंट ले लो, एक ही बात हो सकती है। प्रोविदा में थोड़ी बहुत, प्रोविदा छोड़ो, हर किसी काम में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो आज से शिकायतें करना बंद करो, रोना बंद करो, रोना। कई लोग तो रोते हैं, मेरे से तो लोग ही नहीं जुड़ रहे, मेरी तो टीम छोड़ के चली गई सर, रोते रहते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं इस बिजनेस में। रोना बंद करो आज के बाद, आप लीडर हैं। कोसना बंद करो लोग, कई लोग तो लोगों को कोसते हैं, अगर तूने मेरी टीम में ज्वाइन नहीं किया तो तेरे बच्चे अंधे पैदा होंगे, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। लोगों को श्राप देते हैं, श्राप, श्राप समझते हैं, बद्दुआ। बंद करो ये सब कुछ। कंपेयर, अपने आप को किसी से कंपेयर करना भी बंद करो आज के बाद। किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से आपकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। हम कंपेयर करते हैं, वो उसका बिजनेस इतना मेरा इतना, वो लीडर ऐसा है मैं ऐसा हूं। आपस में कंपेयर करना बंद करो। अगर कंपेयर करना है अपने आप से करो, अगर तुलना करनी है, अगर कंपटीशन करना है अपने आप से करो। अपने आप को हराओ हर महीने, हर महीने अपने आप को हराओ। जो बिजनेस आपने दिसंबर में किया था उससे बड़ा बिजनेस आप जनवरी में करके दिखाओ। अपने आप को तो हरा के दिखाओ एक बार। अगर अपने आप को नहीं हरा पाओगे तो किसी और को क्या हराओगे। अपने आप से कंपटीशन करो। लीडर्स आर लीडर्स, किताबें पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अभी इस समय लॉकडाउन का टाइम है, बहुत समय आपके पास में, कोई भी एक किताब उठाकर उठा लो, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना शुरू करो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी इस बिजनेस में हमें नेगेटिव होने का अधिकार नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव। प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास, डाउनलाइन आपको फोन करेगी, ये हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमेशा लीडर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उम्मीद को जिंदा रखता है, हु कीप्स द होप अलाइव। हम शॉक ऑब्जर्वर हैं, हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ छोटी मोटी चीज होती है, वो अपनी पूरी डाउनलाइन में फैला देते हैं उसको, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। सोचो आप कितना गलत काम कर रहे हो, आप आपके बच्चों के साथ आप नेगेटिव चीज डिस्कस कर रहे हो। अगर कोई परिवार में कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो रात को आपको फोन आया 11 बजे कि ऐसा ऐसा हो गया, तो आप बच्चों को उठाओगे, छोटे बच्चों को उठो उठो देखो वो एक्सपायर हो गए, कभी नहीं ना। तो फिर आप नेगेटिव बातें क्यों करते हो अपनी टीम के अंदर, बंद करो आज से। कुछ बात करनी है ऊपर बात करो अपलाइन से, नीचे कभी नहीं। नो नेगेटिव टॉक्स डाउनलाइन में कभी नहीं करनी, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने आप को भी नेगेटिव नहीं करना है, हम क्या करते हैं अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव करने का मतलब है कि एक शाही की बूंद आपने एक बाल्टी में डाल दी, अब वो एक बूंद से पूरी बाल्टी का पानी नीला हो गया। अब इसको सही करने का एक तरीका क्या है, एक तरीका तो यह है कि अब वो जो नीला पानी है उसमें 100 बाल्टी जो है वो बड़े ड्रम में डालो और उसमें 100 बाल्टी पानी डालो और उसको, और धीरे धीरे वो डाइल्यूट होगी। और सेकंड तरीका क्या है कि जो एक बूंद जो शाही की थी उसको डालने से रोक लो। फायदा किसमें है, 100 बाल्टी डालने में या एक बूंद को रोकने में, डिसीजन आपका है। बी हम्बल ऑलवेज, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस बिजनेस में हमेशा हमें हम्बल रहना है। यहाँ लिखा है एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट। ईगो नहीं लानी अपने अंदर। हमने बिजनेस शुरू किया, थोड़ा बहुत अचीवमेंट आ गया, अब हम बन गए बड़े लीडर,
अब हम बन गए हैं बड़े लीडर, अब हम कहीं छोटी मीटिंग करने नहीं जाएंगे, हम बड़ी मीटिंग करने जाएंगे, अब हम सिर्फ फीता काटने जाएंगे शॉपी मार्ट का, हम बड़े लीडर बन गए ना, अब हम होम मीटिंग नहीं करेंगे, अब हम 1-to-1 तो प्लान दिखाएंगे ही नहीं, और टीम से तो छोटे आदमी से क्यों बात करूं, मैं तो डायमंड ब्लू डायमंड बन गया भाई। अगर ये भाव आपके अंदर आ गया, ये जो नेचर है आपका, बिहेवियर है, वो आपके सारे अचीवमेंट को खत्म कर देगा। ये बिजनेस सिंपल लोगों का बिजनेस है, इसमें सिंपल आदमी सिंपल तरीके से काम करते हुए डायमंड बन जाता है, और ईगो वाले आदमी को डायमंड बनने में उतना टाइम लगेगा जितना पहले उसको सिंपल बनने में लगेगा। कभी घमंड नहीं करना है, कभी अपने आप को अकड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, अकड़ जाते हैं ऐसे, और मैं तो कहता हूं कि जो अकड़ गया वो उखड़ गया। बहुत से लोगों को मैंने देखा उखड़ते हुए मेरे इस कैरियर के अंदर, जो अपने आप में अकड़ गया मैं बड़ा लीडर, वो उखड़ गया। छोटा बनना है, छोटा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आपने सुना ना डायलॉग, ये प्रैक्टिकल है। ये छोटा बनना है, बिल्कुल सिंपल। सिंपल कैसा, एक फूल होता है ना छोटा फूल, उस फूल की तरह बनना है। एक फूल जो तितली और फूल जो लिपटे होते हैं ना आपस में, उनको बड़ी बड़ी जो आंधियां आती है वो अलग नहीं कर पाती, और बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, जो वृक्ष है उनको आंधियां उखाड़ देती है, क्योंकि फूल जो है वो फ्लेक्सिबल है, हवा इधर चलेगी वो इधर मुड़ जाएगा, इधर चलेगी इधर मुड़ जाएगा, तितली से वो अलग हो ही नहीं पाता है। एक शायर ने बोला है, कौन आया था यहाँ कौन आया होगा, कौन आया था यहाँ कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा भी दरवाजा हिलाया होगा, गुल से लिपटी हुई, गुल मतलब फूल, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, ए आंधियों तुमने बड़े बड़े दरख्तों को हिलाया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े दरख्त जो है हिल जाते हैं क्योंकि वो अकड़ जाते हैं, इसलिए उखड़ जाते हैं, और जो छोटा है सिंपल है वो हमेशा इस बिजनेस में बड़ा काम कर जाता है। तो अपने आप को हमेशा सिंपल रखिए। सुमित जी की उस बात को मैं वापस रिपीट करता हूं, कभी भी रूठना नहीं है किसी से भी, हमें रूठने का अधिकार नहीं है। अगर हम लीडर हैं, हमें रूठने का अधिकार नहीं है, और जो टीम में रूठा हुआ है उसको हमें मनाना है, और कुछ भी नहीं है बिजनेस। तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो चुका है, 4:47 हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और इसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी लॉकडाउन का समय है तो हम हर संडे कुछ इसी तरह से आप लोगों से मिलते रहेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ में, और मिलकर के जो ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसमें अपनी जो धार है नॉलेज की, जो शार्पनेस है, उसको तेज करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय प्रविधा, ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था, और एक एक पॉइंट मानना पड़ेगा। आज पूरी जो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लगता है 20 साल में हमने जो सीखा उसको आपने बस एक ही 1.25 घंटा के अंदर सारा एजुकेशन को दे दिया, और रियली सर जो मेरा भी जो 20 साल का एक्सपीरियंस है यही बोलता है कि जो हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक हर रोज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि मच्छर काट के कितने लोग मरे, बट हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं कि हाथी मार के कितना लोग मरे। Yes. तो बड़ा चीज लोगों को नहीं मारता, ये छोटी छोटी चीजें मारता है, और जिसके कारण हम लोग बड़ा नहीं हो पाते। और सारा पॉइंट्स आज आपने रखा, एक एक पॉइंट्स को बहुत शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया, और मैंने सारा पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन किया, और डेफिनेटली इसको तो मैं अपने लाइफ में डेफिनेटली उतारूंगा, क्योंकि आप ऑफलाइन है, ग्रेट ऑफलाइन है, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और आज तक शायद अपने आप को तो मैं सोचता हूँ आई एम द बेस्ट डाउनलाइन ऑफ योर्स, आई एम फॉलोइंग यू 100%, और इसको भी मैं डेफिनेटली अपने लाइफ में फॉलो करूँगा। आज हमारे साथ सर कुछ सबको तो लेना नहीं होगा, बट हमारे साथ कुछ डायमंड्स हैं, और डेफिनेटली आज का फीडबैक हम उनसे लेंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई हैं सतवीर, सतवीर जी, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। सतवीर जी को होस्ट ही हैं, यस प्लीज सतवीर सर, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। सतवीर यादव जी, आपको को होस्ट बनाया हुआ है,
सुनिए, दिनेश तिवारी जी का दिख नहीं रहा है मुझे, अगर दिनेश तिवारी जी हैं तो, दिनेश तिवारी जी अगर हैं तो हैंड रेज करें, देखते हैं सतवीर भाई का नहीं हो रहा है, नेक्स्ट चलते हैं सुनील एडे जी के पास। सुनील जी एक मिनट। यस यस हाँ हाँ जी हाँ पंडित सर। यस हाँ हाँ गुड इवनिंग पंडित सर, गुड इवनिंग नरेंद्र सर, गुड इवनिंग सारे हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स। पंडित सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज नरेंद्र सर ने वो सारी चीजें हमको बोल दी है, हमको बता दी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शुरू में उन्होंने बताया कि क्या क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि इस बिजनेस में करने के लिए कई बार लगता है कि करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नहीं करने के लिए बहुत कुछ है। और हम लोग जो नहीं करने के लिए कई बार हमसे भी गलती होती है, हमसे भी मिस्टेक होती है, वही काम हम कर देते हैं जो हमको नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो शुरू के जो 8 पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स थे जिनको हमको नहीं करना था, वो हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर पूरे आज का प्रोग्राम को अगर मैं बोलूं सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड क्या, हमारे प्रोविदा में WWW क्लब मेंबर बनने के लिए आज का मीटिंग काफी है सर। और खाली हम एक अच्छे लीडर, अच्छी इनकम और अच्छी लेवल हम नहीं लेंगे, आज की मीटिंग को अगर हम अच्छे से फॉलो करें अपनी जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर इंसान भी बन पाएंगे। yes. और हम कहीं हजारों लोगों के सामने भी खड़े रहेंगे सर, लाखों लोगों के सामने भी खड़े रहेंगे, तो हम अलग से पहचाने जाएंगे अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो। तो yes. एक तो सर जो नहीं करना है, और जो करना है वो भी बहुत सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। मैं वो एक स्क्रीन शॉट नहीं ले पाया अपना सर, नरेंद्र सर से चाहूंगा कि वो जो रोने वाला जो 4-5 पॉइंट था, प्लीज अगर वो हो तो मुझे वो पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं बाकी सब लिया हूँ, वो छूट गया मेरा वो रोने वाला ना। नरेंद्र सर रियली सर, मैं आपको आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा सर, ये मेरा ड्रीम है आज से ना। ग्रेट ग्रेट, आपको प्राउड होगा सर। यस डेफिनेटली, लव यू सर, लव यू रियली, रियली सर मुझे गर्व हो रहा है आप पे ना। डायमंड पिंटू, थैंक यू सर। पिंटू जी अनम्यूट करें, पिंटू जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय प्रभेदा, जय। आज का सेशन सच में मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा प्रोवेदा इंडिया में। और मैं हमेशा बोलता हूँ माय मेंटर महागुरु, जो रोज हर 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 सेशन पे नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आज सच में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सारे नोट्स डायरी पे उतार लिए हैं, और कहीं ना कहीं इसको अपने जिंदगी में भी उतारूंगा और अपने टीम पे भी उतारूंगा। और कुछ बातें, कुछ शब्द सच में टच कर जाती है, जो 5 पॉइंट सर ने बताए, नेगेटिव भी बताए, पॉजिटिव भी बताए, वो सारी चीजें, सारी बातें नेटवर्क इंडस्ट्री पे वो माना जाता है, रूल्स माना जाता है। सच में आज जो मीटिंग का सेमिनार का नाम था साइंस ऑफ नेटवर्किंग, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और रही बात पांडा सर की, राठौड़ सर की, हमेशा मैं बोलता हूँ पहले दिन से गाइड करते हैं, और अपने अपलाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, और पैसा भी कमाया हूँ, डायमंडशिप भी लिया हूँ। और आप लोग भी, जितने सारे लोग अभी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में, अगर सच में ये जो 12 पॉइंट्स थे, क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, अगर सच में आप लोगों ने इसको उतार लिया अपने जिंदगी में, तो आपको डायमंड बनने से महीने का 5 लाख 10 लाख जो भी ड्रीम्स हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो जय हिंद, जय प्रभेदा। ओवर टू पांडा सर। चंद्रमणि जी अगर हैं तो हैंड रेज करें, मुझे चंद्रमणि जी का भी नहीं दिख रहा है। सतवीर जी आप को होस्ट हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सतवीर यादव जी जी का नहीं हो रहा। अच्छा प्रदीप घोष जी अगर सुन पा रहे हैं, प्रदीप घोष ये नरेश सर आपने सुमित जी का नाम बहुत बार लिया, तो आज सुमित जी हैं उनसे रियली मैं भी उनका जब भी सुनता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुमित जी इफ यू, यस यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
नरेंद्र सर को भी गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सर। मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है पांडा सर, आपने इतने बड़े बड़े लीडर्स के बीच आपने मेरे को बोलने को बोल दिया है और थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं क्या कहूँ सर, मैं मेरा 20 वर्षों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके लिए अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करके ट्रेनिंग ली है, मतलब मैंने पैसे खर्च किए हैं, टिकट खरीदे हैं, मैं बहुत दूर दूर कई कई किलोमीटर 500-600 किलोमीटर गया हूँ अपने घर से उन ट्रेनिंग्स को लेने के लिए। और नरेंद्र सर की आज की ट्रेनिंग के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा था कि मैंने इतने सारे पैसे खर्चे किए, इतने किलोमीटर चला और आज मुझे अपनी वर्क प्लेस पे बैठे हुए मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ सर, शाम को वहीं बैठा हुआ और मुझे अपनी जगह पे बैठे बैठे लाखों रुपए की ट्रेनिंग मिल गई सर एक साथ। तो और ये मैं कहना चाहूंगा सर, मैं पूरी ट्रेनिंग में ये सोच रहा था कि सर का फोकस है और हम, बल्कि इवन कहना चाहिए सर हम लोगों का फोकस है कि हम प्रोवेदा में सक्सेस कैसे लेंगे, हम इसलिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि नरेंद्र सर का फोकस है कि हम प्रोवेदा में बड़े बन जाएं, बहुत पैसे कमाएं, बड़ी टीम हो जाए। सर का फोकस ये नहीं है, सर का फोकस मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएं। सर ने इस फोकस के साथ ट्रेनिंग ली है तो सर मतलब मैं 20 वर्षों के करियर में, और ये मैं कतई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग में भी और दूसरी दुनिया में भी कि लोग अपने सीनियर्स की तारीफ करते हैं और करना होता है, तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं 20 वर्षों में ऐसी ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली थी जैसी आज मिली है और मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आप दोनों लोगों से सर कि मैं बेस्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा और आज की ट्रेनिंग को, हालांकि आज की ट्रेनिंग को पूरी तरह से उतारना अपने जीवन में एक बहुत बड़ी तपस्या। यस यस थैंक यू सर, ये तपस्या ऑलरेडी वो हम लोगों को बता पाए हैं तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ बस कि ये तपस्या आज मेरी शुरू हो रही है और आज इसका पहला दिन है और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस पे खरा उतर सकूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रदीप घोष जी सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए। एक्चुअली सफर में हूँ, फिर भी मौका दिया तो दो चार बात मुझे भी कहना चाहिए। अभी सुनील जी बहुत अच्छे बातें कहा कि इस इंडस्ट्री से बहुत सालों से अपलाइन का तारीफ करना चाहिए और करना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा अपलाइन मिला इस लेवल का, अगर सच बोले दिल से बोले, इस 2 घंटा 1.5 से 2 घंटा में जो चाहिए इस इंडस्ट्री में, खुशी खुशी टीके रहना और टीम को खुशी खुशी रखना। पैसा तो भाई प्रोडक्ट होता है, पैसा तो आएंगे, उसकी लेवल के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, लेकिन इस तरह लीडर और इस तरह जैसे सुनील जी ने कहा उस तरह नरेंद्र जी के साथ, जितनी सर नरेंद्र सर के साथ जितनी बार मुझे रूबरू हुआ या मिलने का मौका मिला, मुझे रहने का मौका मिला, हर बार कुछ ना कुछ मैंने सीखा। सबसे ज्यादा सीखा कि किसी के पीछे मत बोलो और ना किसी के बारे में गलत चर्चा करो। ये उन्होंने कभी डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उनकी एक्टिविटीज ने ये सिखा दिया और दिखा दिया। और मैंने इतने सालों से बहुत बड़ा लेवल कई बार अचीव की, लेकिन परेशान था क्योंकि सही गाइड का एडुकेशन और सही लीडरशिप, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम इतना साल का तजुर्बा के हिसाब से कह रहा हूँ, और मैं इम्प्लीमेंट करूंगा नहीं इस उनकी आपकी और सुखदेव सर की और नरेंद्र सर की जो सोच है उसे सिर्फ टीम में इम्प्लीमेंट करूंगा नहीं, मैं कर रहा हूँ। yes. और जितना लेवल बढ़ेगा सर, आप लोगों को देख पाओगे कि उतना मेरा टीम और भी ज्यादा नम्रता के साथ पीसफुली सभी लोगों के साथ और भी व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार की धनी बनना जरूरी है। और मैं नरेंद्र सर को तहे दिल से और सुखदेव सर को भी स्पेशली कि इस तरह बीच बीच में अरेंज करना मीटिंग, बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को। और नरेंद्र सर को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप कितना अच्छा एक्टिविटीज रोज, अगर जिसको जिनको लेना है वो आज बहुत कुछ ले चुका है आपसे, और जिनको नहीं लेना है
वो तो कुछ भी नहीं ले पाएंगे आपसे, लेकिन जिन जिन को यहाँ लेना है वो सब बहुत कुछ ले आपसे। तो मैं मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नरेश सर, कल हमारे रामेश्वर विशन जी का रूबी स्टार हुआ है, और आज इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, रामेश्वर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो, एक बार हम चाहेंगे उनको बुलाना, इनवाइट करना। यस रामेश्वर जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रामेश्वर जी आपको बहुत शुभकामनाएं रूबी लेवल के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कैसे हो गया, और मैं पांडा कर रहा था, आज भी काफी देर बात हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही अपलाइन के हम टच में आ गए। जब मैं पिछली कंपनी से छोड़ के आया सर, तो मुझे लगा कि मैं एक अपने बड़े मेंटर को छोड़ के आया हूँ तो कैसा होगा, लेकिन जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग है, आपका बात करने का तरीका है, आपके पॉइंट्स, में अभी सारे पॉइंट्स देख रहा था आपके अभी, तो मुझे लग रहा है कि सर कमी पूरी हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर अपलाइन मैं हमेशा इस बात को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ कि अपलाइन के बिना बिजनेस होता नहीं है, बिना अपलाइन के बिजनेस होता नहीं है कभी, और जिसने वैल्यू समझ लिया अपलाइन की वो कभी हारेगा भी नहीं। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था सर अभी ट्रेनिंग में, कि अगर सारे चले जाए लेकिन अगर एक अपलाइन बचाए ना, तो फिर से नई अपलाइन बना लेंगे, नई डाउनलाइन बना लेंगे फिर हम। बार ये होता है कि जैसे पिछले पहले मैं सिखाया करते थे हमारे मेंटर, कि अगर आप एक हाथ नीचे देते तो एक हाथ ऊपर देके रखिए, कई बार गलती क्या होती है लोग दोनों हाथ नीचे दे देते हैं और डाउनलाइन पूरी तरह से नीचे खींच देते हैं। एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे देके रखें तो हमेशा सेफ रहेंगे। और मुझे सर आप लोगों से मिलकर के बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सही मेंटर के साथ में हूँ मैं, सही लोगों के साथ में हूँ। जिस तरह से डाउन टू अर्थ, जिस तरह से आपके अंदर पांडा सन के अंदर मैं देखता हूँ, बड़ा सेफ्टी फील होता है, इतनी ईमानदारी, इतनी एथिक्स, ये बहुत अच्छा लगता है सर। सो थैंक यू सो मच सर, आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज फीडबैक के लिए अगर बोलेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे, सबका नहीं ले पाएंगे, कुछ लीडर की लीडर्स का ही लेते हैं। राज सक्सेना जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट। हेलो, यस 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 सर, थैंक यू सो मच सर। आज तो हम लोग काफी ग्रुप में थे और ग्रुप के साथ हम लोग पूरी मीटिंग को ले रहे थे, बहुत ही शानदार आज पूरे बिजनेस का सार सुनने को मिला, और जो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन, एक एक चीजों को अगर इसको हम अमल कर लें तो अगले 6 महीने भी नहीं लगेंगे लाखों रुपये में। और मुझे खुशी है कि मैं सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ, पांडा सर, नरेंद्र सर और हमारे सर अभी साथ में थे, सुमित सर, हम लोग सब सीखते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग था हम लोग पूरे ग्रुप के साथ सीखे, हम लोग 20-25 लोग यहाँ पे बैठे थे और बहुत ही इंजॉय किए हैं एक पॉइंट्स को, और पता नहीं कौन से डिक्शनरी से इतना बढ़िया बढ़िया और एक्सपीरियंस से खोज के ला रहे हैं। आई लाइक दिस सर, बहुत ही मजा आ गया। ऐसी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में सर हो जाए एक बार, तो और बढ़िया हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजी, थैंक यू सो मच। हमारे बैंगलोर से हमारे दोस्त है, मैं देख रहा हूँ बहुत समय से हैंड रेस किए हैं, फिरोज सर। फिरोज सर को लेते हैं। फिरोज सर, यस प्लीज सर। गुड इवनिंग सर, आप सबको गुड इवनिंग, संक्रांति, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी पोंगल। थैंक यू सर। आज तो ट्रेनिंग बहुत मजेदार ट्रेनिंग थी सर, आप सिर्फ प्रवेदा का ही नहीं, जिंदगी में भी सीखने के बहुत सारे पॉइंट बता दिए नरेंद्र सर। अभी इसमें फॉलो होने में प्रवेदा ऑटोमेटिक से ऊपर चले जाएगा, वो थोड़ा सीख के आगे बढ़े तो बस। अच्छा मीटिंग दिए सर, अच्छा सजेशन दिए, थैंक यू फॉर योर सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू सर। भगोर सर का बिना कविता के कैसे एंड करेंगे आज का प्रोग्राम? भगोर सर, यस भगोर सर, हाय, थैंक यू सो वेरी मच। नरेंद्र सर, यू आर सिंपली 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 ग्रेट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप द वे यू कनेक्टेड द पीपल, द वे यू प्रीच, द वे यू डिस्क्राइब, और ये कोई एक इंडिविजुअल के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये कोई एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस इज फॉर होल इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री बढ़ेगी
तो हम बढ़ेंगे। तो मैं तो सल्यूट करूंगा और आई ऑलवेज अप्रिशिएट द वे यू डिस्क्राइब द थिंग। चीजें तो ये और दूसरी जगह से भी सुनने को मिल सकती हैं, हजारों चीजें लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, लोगों ने ऑडियोज बनाए हैं, बुक्स लिखे हैं, देयर आर लॉट ऑफ मीडियाज, बट अगेन जिस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो तिनके तिनकों को लगा लगा के जो घोंसला बना देते हो ना, वो सिंपली ग्रेट है। और यही सिंपलिसिटी आपकी ग्रेटनेस का इंट्रोडक्शन भी है। आई पर्सनली अर्ज यू एज ए ब्रदर, एज ए लीडर, एज ए डाउनलाइन, प्लीज कीप इट अप ऑल द टाइम। और ये आप पे सूट भी करता है नरेंद्र सर, ये बहुत सूट करता है आप पे। सो मैं तो नरेंद्र सर का तो थैंक यू बोलूंगा ही बोलूंगा, उससे पहले मैं गॉड का थैंक यू बोलूंगा कि नरेंद्र सर आप मेरे मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं। यू आर द पर्सन हु टुक मी इन दिस कंपनी, तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। आई रियली फील प्राउड हैविंग अपलाइन लाइक यू, आई रियली फील प्राउड हैविंग कंपनी लाइक प्रोवेदा, आई रियली फील प्राउड हैविंग ऑल द टीम लाइक प्रोवेदियंस। मैं सातवें आसमान पर हूँ, बहुत खुश हूँ, खुश मिजाज भी हूँ, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच पांडा सर, थैंक यू सो वेरी मच आपके इस शो के लिए भी, जिसके माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमको मिलती हैं। मीडिया तो आप ही हैं, अगर आपका शो नहीं होता तो बताइए क्या होता। थैंक यू हम तो ले लेते, हम तो बाजू में रहते हैं नरेंद्र सर के। मेरा शो जी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, सुनील सर ने बताया, मेरा शो होता और आप लोग नहीं होते तो। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप लोग ही सुबह बनाते हैं। थैंक यू भगवत सर, कविता हुआ नहीं। अच्छा कविता नहीं हुआ, वो लास्ट टाइम जो था। अडिग रहे विश्वास पर, जो जो बोला है नरेंद्र सर ने उसके लिए लास्ट एक सेंटेंस बोलूंगा कि अडिग रहे विश्वास पर मंजिल तुझे मिल जाएगी, दूरियों को पार करने की वजह मिल जाएगी, जो भी अंधियारे हैं तेरी राह में छट जाएंगे, कोशिश तो कर विश्वास रख सब फासले मिट जाएंगे। अरे हर काम में बाधाएं तो आती हैं, इनसे न डर, डर के आगे जीत है, उस जीत का तू ध्यान कर, होकर समर्पण भाव से, समर्पण भाव जरूरी है, होकर समर्पण भाव से चलता चल, रुकना नहीं, राह पथरीली हो चाहे राह में रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, ये ठान ले, अंधेरों को उजालों में बदलने की कला तू जान ले, अपार शक्ति पुंज है तू बस इसे पहचान ले। थैंक यू सो वेरी मच, सो गुड ऑफ यू, और मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में लेंगे हमारे मुकेश प्रधान जी को, क्योंकि आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लास्ट 21 महीना से इस शो को कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। तो मुकेश प्रधान जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपका कमेंट सुनेंगे और आज का प्रोग्राम को यहीं विराम करेंगे। मुकेश प्रधान जी अनम्यूट कर सकते हैं अगर सुन पा रहे हैं तो। चलिए मुकेश जी का नहीं आ रहा। चलिए थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर। तो कंक्लूड करते हैं, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और अगर एक सेंटेंस में मैं नरेंद्र सर आपकी ट्रेनिंग का अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो मुझे इतना समझ में आया कि इस बिजनेस को करने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। यस, मैंने आपने हर एक पॉइंट में जो ट्रेनिंग में एक क्वालिटी और इसके साथ साथ इस सिस्टम को रिलेट करके आपने बेहतरीन एक एक एग्जांपल देकर समझाया। और मैं भी समझता हूँ आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब जितने भी लीडर्स हैं, शायद ऐसा सब लोग हैं, मैक्सिमम होंगे जो जिनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, दोस्तों आपने बहुत इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में भी काम किया होगा, बट प्रोवेदा इंडिया को जो हमने समझा है और प्रोवेदा इंडिया को हमारी लीडरशिप और मैनेजमेंट जिस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं, इस बिजनेस को बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होगा तो हम इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ केवल मान के चलिए, ईमानदारी से अपना काम ईमानदारी से करिए,
एक अच्छा इंसान बनिए और इस जो भी काम मिला है, जो भी हमारा प्लान शो है, जो भी कुछ मिला है उसको ईमानदारी से करिए, सिंपल होके रहिए, ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। एक चीज नरेंद्र सर से मैंने हमेशा सीखा है कि सिंपल बनिए, छोटे बने रहिए, आप बड़े बन जाएंगे लोगों के आगे, हमेशा छोटे, कभी बड़े नहीं बनना, चाहे जिस भी पिन लेवल में हो। ये आज का ट्रेनिंग का भी मैंने जो इतना सीखा है ये सारांश है। और फ्रेंड्स, अभी हर संडे में हमने नरेंद्र सर से टाइम लिया है, यही समय रहेगा 3 बजे से, और मैं हर रोज हर संडे में हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखेंगे। और थैंक्स, ये जो लॉकडाउन आता है तो हमें सब लोगों को, पूरे परिवार को सीखने को मिलता है, तो ये बहुत बड़ा एक चांस मिलता है हमें। और हर संडे को हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे। संडे का जो इवनिंग वाला प्रोग्राम रहेगा 7:45 का, ये नहीं रहेगा, हम लोग इसी प्रोग्राम को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच जितना भी फीडबैक आया, सुनील सर का, पिंटू जी का, भगोर सर का, प्रदीप जी का, राज जी का, सुमित सर का, फिरोज जी का, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं कल 7:45 पे। और नरेंद्र सर, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? ना, गाना लगा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत शुभकामनाएं, लव यू ऑल, जय हिंद जय प्रविदा। जय हिंद जय प्रविदा। सबको अनम्यूट करते हैं एक बार। जय हिंद जय प्रविदा दोस्तों। Thank you.